विदेशी माता जी, आप सभी सहयोगियों का आज ग्लोबल सहयोग परिवार पूरी हृदय से स्वागत करता है। हम सारे सहयोगी आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एक ऐसे सहयोगी को सुनने के लिए जो कि हमारे संगीत के जो सहज यात्रा है उसकी जर्नी के एक बहुत बड़ा हिस्सा रह चुके हैं, और वो उनके बारे में हम जितना कहें उतना कम है। वो एक वर्सेटाइल म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्होंने काफी म्यूजिक कंपोज किया हुआ है, उसके परफॉर्मेंस जो है श्री माता जी और पूरे दुनिया भर के सामने लोगों के सामने किया हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री में भी उनका काफी नाम है, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लिए म्यूजिक डायरेक्ट किया हुआ है, म्यूजिक कंपोज किया हुआ है, बहुत सारे उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए सिंगर्स बनाए। श्री माता जी की परम कृपा से यह जो हमारे सामने आज के स्पीकर जो है पंडित रमानंद धुमाल जी, इनको बचपन से ही एक रियलाइज सोल की तरह के अंदर वो सुप्त गुण बचपन से ही आए हुए हैं। मैं उनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है, उनको कई अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल के संगीत समारोह में उनका सत्कार हो चुका है, उन्होंने प्रस्तुति दी है, और ढेरों जो कि ख्यातनाम गायक है पंडित भीमसेन जोशी, बिस्मिल्ला खान, उनके जैसे संगीतकारों के साथ उन्होंने अपने संगीत का परिचय लोगों के सामने हारमोनियम पे दिया हुआ है। उनके हाल ही में मराठी मूवी जो है उसमें उन्होंने एक संगीत दिया था, और जिस संगीत को कंपोज करने के लिए 40 से ज्यादा ख्यातनाम संगीतकारों ने ना कह दिया था, उस संगीत को जो है धनंजय धुमाल जी जो है पंडित जी हमारे, उन्होंने कंपोज किया था, हम उसके बारे में भी जानेंगे। और उसी के साथ उन्होंने 1973 में श्री माता जी के बर्थडे पूजा में अपनी संगीत प्रस्तुति पहले बार एज अ गेस्ट संगीतकार करके की थी, गेस्ट आर्टिस्ट के रूप में की थी, वहां से धनंजय धुमाल जी की संगीत यात्रा शुरू हुई। सिंथेसाइजर और ये सारा जो चीज है इसमें उन्होंने जब श्री माता जी के सामने अपना प्रस्तुति की, उस समय वहां पर जो है सारा माहौल सारी चीजें अलग लेवल पे थी, और उस संगीत को विविध तरंगिनी नाम, उस संगीत इंस्ट्रूमेंट को विविध तरंगिनी नाम जो है वो श्री माता जी ने उन्हें दिया हुआ है। आज हम उनके बारे में जानेंगे और उनके सारे संगीत प्रस्तुति के बारे में जानेंगे, उनका सहज पर संगीत परिवार इस पूरे सहयोग के साथ जुड़ा हुआ है। म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सहयोगा, एज यू नो दैट थ्रू म्यूजिक the vibrations spread very well and one can go very deep into own meditation through music, ये हमारे श्री माता जी ने कहा हुआ है। और हम चाहते हैं कि आज हमें पंडित जी जो है अपने बारे में सहजों की संगीत सहज यात्रा के बारे में बताए। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे तीन महामंत्र से। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात्
श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री गणेश साक्षात् त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हम श्री माता जी की छोटी से अमृत वाणी सुनेंगे। नचिकेत जी, हम ध्यान की अवस्था में बने रहें। These musicians, all of them, are so young, you must have seen. And one is a blind fellow. And with realization, they became so dynamic. So now they want to play for me and sing for me, because they got it, you see. And the one who has composed it was a chartered accountant. He never knew any Urdu or any poetical language. But he's become a poet. Yes, it's a devotional music. And a musical, devotional music, if it's sung by people who are realized souls, reaches your heart, reaches your kundalini also, and helps a lot to awaken them. So if there are, these are all realized souls who were there, the dancer, everybody. The dancer was playing the rhythm, and the rhythm is is a divine rhythm, because she's now become a realized soul. She's connected with the divine. So when she dances, she creates a divine rhythm. And when these people sing, they also sing a divine devotion. Otherwise, without connection, if you sing the praise of God, it doesn't reach God, because you are not connected. Like a telephone which is not connected. If you start telephoning, your telephone gets spoiled. So for devotion also, you should be connected with God. So as they are connected with the divine, the music emits vibrations, what you call the divine vibration. As a result, it creates an atmosphere for people to receive the realization. It becomes much easier for me to give realization, because the atmosphere cleanses out, and people also get ready for realization, because they are realized souls, all of them. So this is the reason why I was very happy they could manage to come. They are all professionals, and they have agreed to come here and do it for just to help me in Sahaja Yoga. And also you'll be surprised that this music is very difficult. Indian music is a very difficult music. It's not easy for people to sing unless until you go into big practices. But it's so amazing that when people get realization, all these people who are Western people from 40 countries,
दे ऑल कैन सिंग दीज सॉन्ग्स विद सेम डेप्थ एंड विद सेम अंडरस्टैंडिंग विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स इवन इन प्रोनाउंसिएशन. अदरवाइज इट इज सो डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस संस्कृत. Even Indian language is so difficult that they could not even pronounce one sentence properly. And now the whole song, Sanskrit song, any song they sing so well. And you, if you close your eyes, you won't believe that they are foreigners who are singing, who have never known this language before. So something has gone dynamically new in them that they just pick it up and sing so well. So would you consider that music has become part of the meditation method? Of course, very much. Music is a divine gift to human beings. It's a divine gift. We call it, it starts with Omkara, means the first word as that was we call as logos. It starts with that. And that's the proof of it. Because the, when they get their realization, how is it they know such a difficult language and such difficult tunes and so correctly that they can sing? It's very surprising. So music is a very inner part, dancing, music, all art is very much connected with the divine. Now we have had many artists who have been realized souls. We can say Michelangelo was a realized soul. And the way he painted has, it emits vibrations. You see, if you see Mona Lisa done by Leonardo da Vinci, it has vibrations, it gives you vibrations. Those people who were realized souls like Mozart, when you play Mozart, you get vibrations out of it. You can feel them. On your fingertips, you can feel them. So there are musicians who are realized souls. Also artists, also people like Abraham Lincoln was a realized soul. Gorbachev is a realized soul. He's also a sage. So when these people are there, how will you make them out? As she was asking me, you have to just put your hands towards them and you can feel it. सभी से अनुरोध है कि अपने वीडियोस और ऑडियो मूव करके ताकि इस सेशन की जो है हम बेहतर रिकॉर्डिंग आप सभी तक पहुंचा सकें. संजय जी, मुझे आपसे ये पूछना था कि आप 2.5 साल से जो है जी इस संगीत क्षेत्र में है, आपकी फैमिली का 40 साल का इस सारे संगीत क्षेत्र में एक कार्यरत रह चुका है. तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि तभी तो आपको रियलाइजेशन नहीं मिला था, ठीक है, फिर भी आप एज अ बॉर्न रियलाइज सोल इस धरती पर आए थे. आपने 2.5 साल से अपनी म्यूजिकल जर्नी ऑन स्टेज शुरू की, तो जरा उस जर्नी के बारे में बताइए. और दूसरी चीज जो है कि आपको कैसे पता चला 1973 तक, जब आपको 1973 के आसपास जो है श्री माता जी के सामने प्रस्तुति करने का मौका मिला, तो ये सारे चीजों में कभी आपको ऐसा लगता था कि आप एक रियलाइज सोल हो, या आप में वो खासियत है जो कि एक एक एनलाइटन सोल में होती है? जय श्री माता जी सभी भाई बहनों. सर्वप्रथम मैं श्री माता जी के आभार मानूंगा कि आज जो भी मैं कुछ हूं वो सब शिव माता जी की कृपा से. थोड़ा फ्लैशबैक में चला गया मैं कि करीबन 44-45 साल पुरानी बात है. मैं बहुत छोटा था, 2.5 साल का करीबन होगा, और ये माँ ने मुझे कहा. एक्चुअली मुझे तो कुछ याद जाता था क्या नहीं, लेकिन माँ ने कहा कि बेटा जो शुरू हुआ आपका एज ए आर्टिस्ट का काम, तो वो ये था कि बच्चा दौड़ता है घर में, भागता है, खेलता है, कूदता है,
और माँ के पास जाके बैठता है। उसके लिए सिर्फ माँ ही सब कुछ होती है। और मेरे लिए भी बचपन में वही था कि मेरे लिए माँ ही सब कुछ थी। और आज भी मैं बड़े गर्व से कहूंगा कि आज भी मेरे लिए सिर्फ यही महत्वपूर्ण है कि मेरे लिए माँ ही सब कुछ है। तो ऑब्वियसली मैं मातृभक्त हूँ और ये सब श्री माता जी की कृपा है। तो माँ ने कहा था कि मैं जब छोटा था तब जो घर में बर्तन वगैरह होते थे या हमारा हारमोनियम का रिपेयरिंग का शॉप था, पिताजी हारमोनियम रिपेयरिंग करते थे और वहीं पे मेरा जो विश्व था वो वही एरिया में था। एक छोटी सी जगह थी उसमें हम लोग सब रहते थे, छोटी जगह थी, पुरानी बात है। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पिताजी हारमोनियम रिपेयर करते थे, ये कहानी मुझे पिताजी ने बताई थी, बहुत पहली बात है कि बेटा आप जब छोटे थे तब की बात है, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि एक दिन पिताजी हारमोनियम रिपेयरिंग करते थे और हारमोनियम बजा रहे थे। मैं ऐसा चलते चलते बैलेंस करते करते मेरे पिताजी के गोद में जाके बैठ गया। तो अभी बच्चा जब भी अपने पास आता है तो कोई भी बड़ा आदमी क्या करता है, काम सब अपना छोड़ के उसे लाड़ और प्यार से उसको संवारता है, उसका लाड़ करता है या उसको जो आनंद मिले हम लोग उससे बातचीत करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। और फिर पिताजी ने ऐसे हारमोनियम का एक शायद कोई ट्यून बजाया होगा और सडनली उन्होंने जो बजाया, मैं तो गोद में जाके बैठा था और पिताजी धम्मन मारते थे, इसको धम्मन हम लोग बोलते, धम्मन वो बजा रहे थे, धम्मन मारते थे। और फिर वही ट्यून जो पिताजी ने बजाई वही मैंने बजा के दिखाई। शायद पिताजी को लगा कि ये ऐसे ही गलती से किया होगा, बाद में पिताजी ने फिर से बजाया और मैंने फिर बजाया, फिर पिताजी ने थोड़ा कुछ और बजाया, ऐसे उन्होंने कहा कि, और मैंने भी वही बजाया फिर, और सेम टू सेम। तो पिताजी शॉक हो गए, ये 2.5 साल का बच्चा ये कैसे कर सकता है, इतना कॉपी आना तो पॉसिबल, लेकिन उंगलियां छोटी छोटी और मैं गोद में, और मेरे लिए हारमोनियम ये लेवल पे थी, छोटा था हारमोनियम बड़ी थी। तो पिताजी ने धम्मन मार रहे थे, ये लेवल हो गया मेरे लिए। लेकिन जो उन्होंने बजाया पता नहीं, मेरा ध्यान बचपन की एक मेरी आदत थी जो मुझे याद है कि चाहे कुछ भी हो मेरा पूरा चित्त म्यूजिक के ऊपर होता था, लेकिन मैं यहां वहां देखता था, शायद बचपन से मैं प्रोग्राम करके आया हूँ, 2.5-3 साल से 77-78 से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। और मेरी बचपन की आदत है कि मैं अगर गा ही रहा हूँ या बजा रहा हूँ तो इधर उधर ऐसे देखूंगा, लेकिन पिताजी बोलते कभी गलती नहीं करता था। तो अभी समझ में आता है कि वो क्या हो सकता है, कि चित्त वहां था, चाहे यहां वहां कहीं भी मैं देखूं लेकिन चित्त मेरा माँ के चरणों में था तभी। और फिर तब से ये शुरू हो गया कि धीरे धीरे आजू बाजू में जितना हम लोग का एक एरिया था वहां ये बात फैलने लगी कि एक 2.5 साल का बच्चा बिना सिखाए हारमोनियम बजाता है। फिर धीरे धीरे मेरा जन्म जो है वो भगूर में हुआ, जो नासिक डिस्ट्रिक्ट में, वहां से 15-20 किलोमीटर दूर एक हमारा गांव है जो स्वतंत्र वीर सावरकर आप जानते हैं, बड़े स्वतंत्र सैनिक है, उनका जन्म वही गांव पे हुआ है, वही पे मेरा जन्म हुआ है। तो हम लोग वहां रहते थे, वहां से वो बात धीरे धीरे फैलने लगी, नासिक तक फैल गई और धीरे धीरे और दूर तक गई। ऐसे करते करते बाद में 78-79 में दूरदर्शन तक ये बात गई, तब वो पूरी टीम दूरदर्शन की नासिक आई, नासिक से भगूर आई और उन्होंने देखा एक 3-4 साल का लड़का कैसे क्या हारमोनियम बजा सकता है, चलो ठीक है मान लिया बजाता है, लेकिन उसको ये कैसे पता कि ये राग 50 साल पुराना है, 100 साल पुराना है, 200 साल पुराना है, ये उसको कैसे पता, और उसको थोड़ा बजाने को बोला तो पूरा राग बजाता है, ये कैसे पॉसिबल है। तो ऐसे ऐसे ये धीरे धीरे बात फैलने लगी और वो उन लोगों ने मेरे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जिसके डायरेक्टर थे विनय आप्टे जी, जो उस समय दूरदर्शन के मेन थे, और उन्होंने वो फिल्म डायरेक्शन की कि मैं कैसा चलता हूँ, क्या खाता हूँ, कैसे पीता हूँ, कैसे सोता हूँ, खेलता कैसा हूँ,
ऐसे उन्होंने करीबन एक अच्छी सी फिल्म बनाई चिल्ड्रन डे के ऊपर, उस समय जो 78 79 का जो चिल्ड्रन डे होगा, तो वहां उसके लिए फिल्म बनाई, उसको अवार्ड भी मिला, शायद इंटरनेशनल अवार्ड था इंग्लैंड के लिए या अमेरिका के लिए वो फिल्म गई थी, और मुझे उस समय उसकी बात वहां तक चली है। तो देखिए उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर पिताजी जो भी बजाएंगे मैं वो सेम टू सेम बजाता था, और फिर बाद में ऐसा हुआ कि मैं खुद बजाने लगा, ये राग मैं बजाने लगा, वो गीत, फिर धीरे धीरे मैं गाना कॉपी करने लगा। फिल्मी जो गाने थे, कोई नाट्य गीत हो, कोई भजन हो, या कोई फिल्मी गाना भी हो, तो वो जैसे मैं सुनता था और सेम टू सेम श्री माता जी की कृपा से मैं वही बजाता था। एक मेरी बचपन से आदत थी कि हमारे मराठी में बोलते कि एक पाठी, यानी एक बार सुन लिया तो दूसरी बार वो दिमाग में फिट हो जाता है, और उसके आगे ये शिव माता जी की कृपा होगी कि ये अगर ऐसा है तो यहां से आगे का ऐसा होगा, ये सोच बचपन से थी। ये शिव माता जी की कृपा, इसमें मैं अपना कुछ श्रेय खुद को नहीं दे सकूंगा मैं। तो इस तरह से फिर मेरा ये संगीत का सफर शुरू हो गया, फिर धीरे धीरे म्यूजिक डायरेक्शन के तरफ मैं, मेरा खिंचाव म्यूजिक के तरफ हुआ एज ए डायरेक्शन। बचपन से रिदम का भी बहुत शौक था, तो माँ बोलती थी जितने भी बर्तन है वो सब बजाता था मैं। फिर एक छोटा सा बोंगो था हमारे इधर, जो कोंगो बोंगो रहता है, एक ऑर्केस्ट्रा पुराने में इसमें आपने देखा होगा, तो वो बोंगो भी मैं बजाता था। यानी सबसे पहले रिदम का सेंस शायद मुझे आया होगा, ऐसे मेरी माँ कहती है। फिर बाद में जैसे मैंने कहा कि मैं पापा के गोद में बैठा और मेरा हारमोनियम शुरू हो गया, तो ये स्वर और ताल ये दोनों एट ए टाइम शिव माता जी की कृपा से वो मेरा सफर वहां से शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे करीबन मुझे याद, मैं भगुर में था दूसरी या तीसरी की कक्षा में मैं शायद पढ़ रहा होगा, तो हमारी स्कूल जहाँ होती थी वहां के जो टीचर है, तब तक तो मैं फेमस हो चुका था, बहुत फेमस था, तो जहां भी गांव में घूमता था तो लोग बोलते थे अरे वो लड़का नहीं क्या, वो पीटी बजाता उसका गांव है, यहाँ तक तब हम लोग फेमस होते थे। और स्कूल में भी जब जाते तो क्या होता है ना, आदमी अगर बच्चा फेमस हो तो उसका बहुत शाइनिंग, हमारे अभी आजकल का जो वर्ल्ड है अरे बच्चों का, शाइनिंग मारना, तो अब मुझे अच्छा लगता था कि देखो मैं हारमोनियम बजाता हूँ, लोग मुझे जानते और मैं कितना फेमस हूँ, खुद कितना नहीं कितना लोग मुझे चाहते हैं, तो ये बात होती थी। और बहुत लाड़ प्यार होता था, छोटा था, शिक्षक भी हमारे जो थे गुरुजन वो मेरा बहुत प्यार करते थे। तो ऐसी वो सब स्टोरी शुरू हो गई। तो एक दिन क्या हुआ, हमारे जो टीचर थे, जो मैडम थे, उन्होंने एक कविता मेरे सामने रख दी, मैं करीबन 7 या 8 साल का होगा, तब उन्होंने कहा कि धुमाल खड़े हो जाओ। अभी टीचर उस समय तो बहुत स्ट्रिक्ट थे सब, टीचर ने बोल दिया तो खड़ा होना पड़ेगा, तो मैं खड़े हो गया। मुझे लगा अभी कुछ तो भी मुझे डांट पड़ने लगेगी, तो मैं बड़ा सीरियस हो गया कि क्योंकि अभ्यास तो जो था, पढ़ाई इतनी मेरी अच्छी नहीं थी, क्योंकि पूरा दिमाग में जो होता है चित्त में, वो सिर्फ संगीत 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 इतना ही था, दिमाग में कुछ था नहीं। सुबह से रात तक प्रोग्राम ही करते थे, यहाँ वहां घूमते थे म्यूजिक के लिए। तो टीचर ने बोल दिया खड़े हो जा, तो मैं खड़े हो गया। फिर बोला इधर आओ, तो मैं और डर गया, मैं बोला अभी मुझे मार बैठने वाली है, तो बोला इधर आ, वो किताब निकालो। मुझे लगा कोई अगर बोलने वाले कि ये पढ़ो वो पढ़ो, बोले अभी देखो ये कविता है, इसको आपको कंपोज करना है, यानी हमारे मराठी में चाल बोलते हैं, स्वरबद्ध। तो मैं बोला कंपोज करना है, पर मेरी बचपन से आदत है श्री माता जी की कृपा से कि मेरे डिक्शनरी में कभी ना ये वर्ड है नहीं, इम्पॉसिबल क्यों नहीं, हर चीज पॉसिबल हो सकती, पॉसिबल हर चीज, ये नहीं म्यूजिक में ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, हम लोग कर सकते, ऐसे नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, हम लोग ट्राई कर सकते। तो इस तरह से शायद बचपन से वो दिमाग में होगा मेरे, तो मैंने तुरंत बोल दिया कि हाँ मैं कर लूंगा। तो उन्होंने वो कविता मेरे हाथ में दी और बोला इसको अभी आप एक ट्यून बनाओ। तो श्री माता जी के कृपा से वो मैंने ट्यून बनाई, वो ट्यून मैं 1 मिनट के लिए आपको सुनाता हूँ, क्योंकि वो मेरी पहली कंपोजिशन है। तो वो ऐसी थी, मराठी है, शायद आप लोग इसकी भाषा ना समझे, लेकिन इसकी जो ट्यून है वो शायद आपको पसंद आएगी। आज मैं बड़ा खुश हूँ कि आज मेरे साथ मेरा बेटा विजय भी है, जो आज एक इंस्ट्रूमेंट है केजॉन, उसके ऊपर वो आज मुझे वो अकंपनी देगा। वेलकम वेलकम विजय जी, वेलकम। हालांकि वो अच्छा एक
म्यूजिक अरेंजर है, कीबोर्डिस्ट है, हारमोनियम भी अच्छा बजाता है, गाना भी अच्छा गाता है। ये सब श्री माता जी की कृपा है। और खास बात यह है कि इसका नाम श्री माता जी ने रखा है, विजय 2001 में। नदीचा शेजारी गडाचा खिंडारी कोणगे त्या ठाणी राते गेली। नदीचा शेजारी गडाचा खिंडारी कोणगे त्या ठाणी राते गेली। ये मेरी फर्स्ट कंपोजिशन है। इसका मतलब भैया आप जरूर समझा दीजिए। नदी के किनारे, नदी के किनारे, यस नदी के किनारे। ये जो है प्रवाह, नदी के किनारे जो एक छोटा सा हमारा घर है और वहां कौन रहता है वो माँ से पूछता है। देखिए ये कविता का मीनिंग मैं इसलिए गा रहा हूँ कि वो बच्चा की नदी चा शेजारी यानी नदी के किनारे गढ़ा चा खिंडारी यानी जो खिंड होता है, एक प्लेस होता है, गढ़ यानी जो क्या बोल सकते हैं, एक पहाड़, एक गढ़, उसके बाजू में कौन गे त्या ठाई रहते हैं, उसके बाजू में कौन रहता है, माँ उसके बाजू कौन, ये बच्चे की एक सोच है। और वही सोच मुझे कंपोज करने के लिए मिली, पहली मेरी कंपोजिशन। वो भी वो किससे पूछता है, माँ से। अभी मुझे वो उसका संबंध यहाँ लगता है कि मैं बचपन से सिर्फ मातृभक्त हूँ और पहली कंपोजिशन भी मैंने माँ से ही पूछी और वो माँ और कोई नहीं है, श्री माता जी। आप उस जगह से है जहाँ पर आदिशक्ति जो है सप्तशृंगी स्वरूप में रहती है, नासिक में, ठीक है। तो नासिक में जो है आप, नासिक महाराष्ट्र का एक भाग हिस्सा है, इंडिया का एक छोटा सा हिस्सा हो जाता है नासिक। तो ये छोटे से हिस्से में रहने वाला ये एक जो म्यूजिशियन है उसे लोगों में मतलब इंटरनेशनल लेवल में पहुंचने के वक्त जो है, ठीक है, किस किस चीजों का सामना करना पड़ा बिफोर सर्जों का, क्या वो आसान था या फिर आफ्टर सर्जों का जो है ये चीजें बहुत सारे आसान होते थे, किस तरह से एक आप देखते हैं अपने आप को बिफोर सर्जों का और आफ्टर सर्जों का एज म्यूजिशियन? देखिए कि मैं सहयोग में जो आया वो एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट के आमंत्रण से आया हूँ। अभी आप बोलेंगे ये आप क्या बात करें। बात ये थी कि मैं 87 से संगीत सीख रहा हूँ श्री माता जी की कृपा से, बचपन से ही। और मैं जिन्हें संगीत सिखाता था उनका नाम था वालिम्बे, महाराष्ट्रीयन थी और बुजुर्ग लेडी थी। उनके जो जीजाजी थे वो भैया साहब जोशी उनका नाम है, वो और हमारे बाबा मामा बड़े अच्छे क्लोज फ्रेंड थे नागपुर के। तो एक बार, स्टोरी काफी लंबी है, एक बड़ी किताब हो जाएगी मैं अगर बोलने लगूंगा तो, टीचर को तो बहुत बोलता हूँ लेकिन शॉर्ट में बताना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी बताऊंगा, मैं कोशिश करूंगा। कि तब भैया साहब जोशी से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने ऐसे पूछ लिया कि आप क्या करते हो बेटा, क्योंकि मैं बहुत छोटा था उनके सामने, सब वो बुजुर्ग थे। तो मैंने कहा कि मैं कंपोजर हूँ, म्यूजिक सिखाता हूँ, हारमोनियम बजाता हूँ और एक नया एक मैंने एक प्रयोग किया है। बोले क्या? बोले कैशियो के ऊपर मैंने क्लासिकल बजाना का एक आविष्कार किया है। तो बोले कैशियो पे क्लासिकल, ये कैशियो क्या होता है पहली बात ये बताइए, क्योंकि तब वो इतना फेमस नहीं था, सिंथेसाइजर या क्लासिकल हम लोग कैशियो हम लोग आजकल बोलते, तो वो इतना फेमस नहीं था, लिमिटेड था और वही कुछ गिने चिने लोग उसको बजाते थे या उसका उपयोग होता था। तो बचपन से एक आवर जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपका आवाज म्यूट हो गया है धनंजय दादा, अपना आवाज नहीं आते, आपकी आवाज म्यूट हो गई है। हेलो, अभी आवाज आ रही है, अभी आवाज आ रही है। तो ये जब उन्होंने पूछा कि बेटा आप क्या करते हो, तो मैंने सब बताया कि मैं हारमोनियम बजाता हूँ, गाना गाता हूँ, म्यूजिक डायरेक्शन करता हूँ और एक मैंने नया आविष्कार किया है। तो बोले क्या? तो एक कैशियो के ऊपर मैंने क्लासिकल बजाने का एक नया प्रयोग किया है। तो सबसे बात उन्होंने ये ताजुब लगी बात की, ये क्या होता है, कैशियो क्या है? तो उन्होंने बोला कि, मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, लाइट के ऊपर वो बजाया जाता है हारमोनियम जैसा, और वही मैंने संतूर जैसा एक साउंड है उसके ऊपर क्लासिकल बजाने का एक नया प्रयोग किया है। मैं चाहे आपको
बजा के बता सकता हूँ, तो मैंने उनको बताया, बजा के बताया, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक दोस्त है नागपुर में और वो संगीत का बड़ा जानकार है, और उनकी बहन यानी शिव माता जी के बारे में, तब तो मैं सहजों के बारे में जानता नहीं था, कि वो बड़ी संगीत की चाहती है, उन लोगों को जानती है और सभी को आशीर्वाद देते हैं, उनका संगीत का बहुत बड़ा उनका फैमिली का योगदान है। तो आप उनके लिए मैं आपकी बात जरूर करूंगा हमारे दोस्त के लिए। ये बस समय इन बीच में निकलता गया और उन्होंने बाबा मामा को बोल दिया कि ऐसा ऐसा मैंने एक आर्टिस्ट देखा है जो कैशो के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक उस पर क्लासिकल बजाता है। तो ये बात भी बाबा मामा को याद आई कि 4 साल का एक लड़का बड़ा फेमस हुआ था, तो बाबा मामा ही मुझे ढूंढ रहे थे, लेकिन कैसे वो मैं बताऊंगा जरूर, ये स्टोरी रिलेटेड है सब। हाँ, तो जब उनको बताया तो बोले मुझे उस बच्चे से मिलना है। तो दिसंबर में बाबा मामा नासिक आए, स्टोरी बहुत बड़ी है लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाबा मामा नासिक आए तो उन्होंने बोला बेटा मुझे आपसे मिलना है। तो मैं जिनके घर में सिखाने जाता था 92 एंड में, दिसंबर की बात है, बाबा मामा तब गणपति पुले जाने वाले थे, उसके बिफोर की बात है, 22-23 या 21-22 दिसंबर कुछ डेट हो गया, इतना डिटेल याद नहीं मुझे। तब मैंने उनको बजा के दिखाया और मेरी स्टोरी मैंने बता दी कि मैं बचपन से ये करता था ये किया। तो जैसे उन्होंने बोला कि 4 साल का एक लड़का है वो ऐसे ऐसे बजाता था, तो क्या उन्होंने तुरंत मुझे बोला कि आप गणपति पुले आ सकते हो, मेरी पहचान ने कुछ ने कुछ ने, उन्होंने डायरेक्ट मुझे इन्विटेशन दे दिया कि आप गणपति पुले आ सकते हो प्रोग्राम के लिए। तो मैं बोला ठीक है, मुझे घर से पूछना पड़ेगा। तो ऐसा मैंने पिताजी को बोल दिया कि ऐसा ऐसा एक अंकल आए थे और उन्होंने पूछा कि आपको गणपति पुले प्रोग्राम में आना है। तब तक मैं सहजों के बारे में कुछ जानता नहीं था। उसके बाद फिर उनका मैसेज आया, बाजू में एक फोन था, पहले तो लैंडलाइन थे हमारे लिए, बाकी तो कुछ था नहीं, वो भी मेरे हमारे पड़ोस में थे तो उनको बहुत ये करना पड़ता था, अरे अंकल फोन आए तो देना ये स्वभाव से वो तब बात होती थी, और वो बड़े प्यार से फोन देते थे, बुलाते थे। तो उनके यहाँ फोन आया कि अरे आपके लिए फोन है, तो उन्होंने बोल दिया कि बेटा अभी हम आपको नहीं बुला सकते क्योंकि इस बार प्रोग्राम बड़ा पैक है, 11th आवर में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम आपको मार्च में बर्थडे पूजा के लिए हम आपको इनवाइट कर रहे हैं क्योंकि आपका प्रोग्राम हम चाहते हैं उस लेवल पे बड़ा हो। और बीच में सिर्फ बहुत बड़ी बात हुई, फिर वो सुनहरा मौका आया मेरे जीवन का 93 में, पहली बार शिव माता जी को मैंने वो देखा। तब उसके पहले एक बात ऐसी हुई थी कि बाबा माने कहा बेटा एक बार आप सेंटर जाके आओ, हमारे यहाँ केंद्र होता है, और आप जागृति लेके आ जाना, ऐसा उन्होंने बोल दिया। अभी जागृति क्या होती है, रियलाइजेशन क्या, ये मुझे तो कुछ पता नहीं था। मैं जाके आया एक बार और उन्होंने कहा कि बेटा पूरा रियलाइजेशन दिया कि आपको कुछ वाइब्रेशन आए। अभी कैसा है कि हम लोग आर्टिस्ट हो, किसी को बुरा ना लगे तो हम लोग हा 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 अच्छा 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 लगा, ऐसे मैंने उनको बोल दिया, हालांकि मुझे कुछ वाइब्रेशन नहीं आ रही थी, लेकिन वो उनको पता चला। देखो पुराने जो सहजी थे, मैं सबके लिए एक बात बता रहा हूं कि पुराने जो सहजी थे वो उनका जो ध्यान की अवस्था थी वो तुरंत हाथ से चक्र हमारे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं वो पकड़ते थे, अगर आपका कौन सा चक्र लग रहा है तो वो तुरंत बताते थे ये चक्र आपका पकड़ा है। तो ये वो जमाना था, तब वो बैठते देखते देखते वो क्लियर भी करते थे, उनको सब पता चल रहा था कि मेरी सिस्टम क्या है। तो ये होने के बाद, लेकिन उन्होंने भी मुझे कुछ बोला नहीं, ठीक है बेला बेटा कोई बात नहीं आ जाएगा, बस विश्वास रखो। फिर उसके बाद एक अंकल थे जिनका नाम है मोहगावकर, मैं उनको कभी नहीं भूल सकूंगा, बस उन्होंने एक बात जो मुझे कही वो आज तक मुझे याद है और मैं वो बात बड़े प्यार से हमेशा करता हूँ। वो ये थी कि उन्होंने कहा कि देखो बेटा जब भी आप शिव माता जी के चरणों में आप सेवा करने जाओगे तब दिल से एक प्रार्थना करो कि शिव माता जी मुझे कुछ नहीं आता, जो भी है आपकी कृपा है और आप ही हमसे बजवा लीजिए। बस मैं आपको बताऊं, उन्होंने सहयोग के बारे में जो बताया मुझे कुछ याद नहीं रहा, लेकिन ये प्रार्थना याद रही। और जब मैं बजाने के लिए गया स्टेज पर तो मेरा प्रोग्राम फिक्स था, मैंने बाबा को बोल दिया था कि बाबा मैं 15 से 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा बजाऊंगा, इतना ही मेरा है। तो उन्होंने उतना बोल दिया कि ये 15-20 मिनट ये बजाएगा, लेकिन जो मैं बजाने वाला था वो भी मेरा दिमाग में फिक्स है कि मुझे यही बजाना है। मेरे भाई को भी, मेरे बड़े भाई जो है पंडित गोरखनाथ जी धुमाल, वो तबले पे थे और मेरा एक शागिर्द,
जो कीबोर्ड पे ही तानपुरा का आवाज बजा के वो बजा रहा था, तब की क्रिएटिविटी है। और फिर जैसे दिमाग में था उन दोनों को पता था कि मैं क्या बजाने वाला हूँ, फॉर एग्जाम्पल इस टाइप का रहता है। लेकिन जब प्रार्थना की शिव माता जी को, पता नहीं क्या हुआ मेरे मन में, मेरा दिमाग मेरा था ही नहीं, मैं जो बजाने वाला तो वो भूल गया और पता नहीं मैं क्या बजाने लगा। और मैं हैरान, बड़े भाई हैरान, मेरा शागिर्द हैरान कि शागिर्द ये गुरुजी को क्या हो गया, बोले क्या बजाने शुरू किया। मेरे भाई भी बोले अरे ये तो तीन ताल बजाना था, ये विलंबित में किया, ऐसे ये क्या बजा रहा है। लेकिन बचपन से मेरे भाई मेरे साथ जमकर मेरे साथ देते थे और मेरे साथ बचपन से वो ही तबला बजाते, तो वो प्रोग्राम हमारा हो गया। शायद आधा पौन घंटा मैंने बजाया। प्रोग्राम खत्म होने के बाद तब मैं स्टैंडिंग यानी स्टैंड था, उसके ऊपर खड़े होके मैं क्लासिकल बजाता था। शुरुआत की बात है 93 की, 93-94 शायद वैसे प्रोग्राम हुए। तो श्री माता जी एक बार सिर्फ ऐसे मैंने देखा था, तब मैंने देखा कि श्री माता जी इस तरह से मुझे देख रही थी, तब मुझे थोड़ा डर हुआ, लेकिन फिर भी मैं सामने देख के बजाने लगा। ये देखिए ये बात याद रखिए। तो ये जब होने के बाद जब मेरा प्रोग्राम खत्म हुआ तो सब स्टैंडिंग ओवेशन मिली, सब फॉरेनर इंडियन अपने सहजी भाई बहन सब खड़े होकर तालियां बजाने लगे। और कोई भी आर्टिस्ट को यदि तालियां मिल जाए तो उसको उसके इतने बड़ा उसके लिए कुछ बख्शीश नहीं है, दुनिया का सबसे बेस्ट बख्शीश अगर आर्टिस्ट को आपको खुश करना है तो तालियां बजाओ और बोलो वाह 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 क्या बात है, तो उसकी क्रिएटिविटी और बड़ी हो जाती है। ये अहंकार नहीं है। लेकिन जैसे अपन बच्चों से भी कभी कभी बोलते ना, अरे वाह बेटा कितना अच्छा करते, वो भी खुश हो जाता है क्योंकि आर्टिस्ट भी एक बच्चा है और वो माँ के चरणों में सेवा अर्पित करना चाहता है, बस वही बात होती है, तो आर्टिस्ट खुश हो जाता है। तब मैं जब श्री माता जी के चरणों में प्रथम आया, देखिए ये जो संजोग की बात है माँ और बेटे की, तो मन में सवाल आया कि क्या मैं माँ को देख सकता हूं, ये मेरा पहला सवाल मन में, क्या मैं माँ को देख सकता हूं। तो आप लोग यकीन नहीं करोगे, जैसे मैं प्रणाम किया माँ को और माँ के चेहरे के तरफ देखने लगा तो इतना तेज जो ऐसा दिखने को मिला जैसे सूरज को हम लोग देख नहीं सकते, इतना तेज मेरे आंखों में आया। और मैंने माँ को देखने की लाख कोशिश की लेकिन मैं देख नहीं सका। ये फर्स्ट मिरेकल्स मेरे सामने हुआ कि मैं बोला ऐसा क्यों मुझे दिखाई दे रहा है, तेजी तेज सिर्फ माँ को मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन फिर मैं झुक गया और माँ को प्रणाम किया, श्री माता जी आप मुझे आशीर्वादित कीजिए। फिर देखा तो नॉर्मल श्री माता जी मुझे दिखाई दी। फिर श्री माता जी ने एक बात कही, ये मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं कि ये माँ के वाक्य मेरे नहीं है। जब आप बजा रहे थे कि कोई बुजुर्ग आत्मा आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही थी जो एक पवित्र आत्मा है, आप जब बजा रहे थे कोई बुजुर्ग आत्मा आप में थी और वो पवित्र आत्मा है। फिर इसका ताल्लुक बहुत है पुरानी बात, वो मैं एक दिन डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि बचपन से जब एक पहला सवाल भैया जी ने पूछा कि आपको ये कैसे पता चला आत्म साक्षात्कार, तो शायद उससे ये बात रिलेटेड हो सकती है कि मेरे जो भी कोई परदादा या नाना जी, पर नाना नाना के नाना थे, वो संगीत के बहुत बड़े एक आर्टिस्ट है, संत आर्टिस्ट है, और उनकी आत्मा मेरे अंदर थी पुनर्जन्म के रूप में। और वो परम पूज्य श्री माता जी की कृपा से 93-94 में उसको श्री माता जी ने मोक्ष दिया। ये भी मैं किस्सा जरूर आपसे शेयर करना चाहता हूं। कहां पे, रशिया में, मॉस्को में, बाबा मामा मैं और श्री माता जी हम तीनों ही थे। और श्री माता जी ने मुझे बुला के बिठाया, मेरा बाया हाथ रखा ऐसा श्री माता जी के चरणों में, वहां पे दाया पैर श्री माता जी के श्री चरण मेरे हाथ में रखे और मेरे सहस्रार पर श्री माता जी ने ऐसे हाथ रखकर कहा कि बेटा अभी आंख बंद करो और बोलो कि हे आत्मा आप अभी मेरी चिंता ना करो, मैं माँ के चरणों में हूं, आप मेरी चिंता ना करो, आप जाइए। और तब से जो मेरे अंदर एक आत्मा थी पवित्र वो निकल गई। और फिर अभी मुझे पता चलता कि शायद ये सब हर बात नियोजित होता है, ये शिव माता जी की कृपा है और आज जो भी हूं ये सब शिव माता जी की कृपा से। आप जब आप शिव माता जी से पहली बार मिले तभी आपकी उम्र क्या थी? यही 17-18 साल होगी,
यानी कि आप काफी जानते हैं, राइट। आप अभी बता रहे थे चेतना और चैतन्य के बारे में, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो संगीत है उसका चेतना और चैतन्य पे क्या फर्क होता है, क्या असर पर क्या होता है? चेतना देखिए एक शक्ति है शरीर में, चाहे आप खून के माध्यम से देखिए या विचारों के माध्यम से देखिए या मन के माध्यम से देखिए, तो वो शरीर में जब आते तो एक वो उत्साह कब आता है? जब वो सकारात्मक रूप से आप उसको देखते हैं। लेकिन सकारात्मक रूप कब प्रकट होता है? जब चैतन्य आता है। तो चेतना जो है शरीर में होती है। यदि म्यूजिक के बारे में बात करनी है तो यदि हम लोग देखिए एक उपचार पद्धति भी है संगीत उपचार, जैसे हम लोग जानते हैं कि म्यूजिक एंड मेडिटेशन के थ्रू म्यूजिक थेरेपी, बिल्कुल। तो अरुण आप्टे जी ने भी बहुत काम किया है, उनके साथ भी मैंने कई बार हारमोनियम बजाई है, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन उसके भी पहले म्यूजिक थेरेपी के बारे में यदि संशोधन किया है तो हमारे नासिक के बुजुर्ग संगीतकार है विदेश सौंदानकर जी, उन्होंने सबसे पहले उसके ऊपर अध्ययन किया सबसे पहले, फिर उन्होंने बात श्री माता जी को बताया कि श्री माता जी हर चक्र के ऊपर भी राग भी होते हैं, उसका परिणाम कैसे होता है, तो श्री माता जी ने उनको वो सब ज्ञान दिया है। हालांकि हम लोग सब उसके ऊपर नया संशोधन करते हैं, लेकिन टोटल सब क्रेडिट श्री माता जी की कृपा ही है उन पर, और सौंदानकर सर ने वो बात पहले कंपोज की, लेकिन उसको पूरे विश्व में फैलाने का काम अरुण आप्टे जी ने किया, ये तो हम लोगों को हम लोग जरूर मानना चाहिए। तो ये चेतना की जो बात होती है, तो चेतना और परम चैतन्य यदि एक साथ जब मिल जाते, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जीव और शिव का मिलन जब होता है, तब वो जो स्थिति है वो हम लोग म्यूजिक के द्वारे जल्दी समझ सकते हैं। देखिए ध्यान की अवस्था क्या होती है, सहस्रार में जब हम लोग चित्त लगाते हैं तब चैतन्य बहना शुरू हो जाता है, या चित्त हमारा जी चक्र के ऊपर जाएगा, वहां के देवता को जब हम लोग समर्पित होते तो वो चक्र की परम चैतन्य हम लोगों को महसूस होती है। ये तो हम लोग सहज बातें जानते हैं, लेकिन म्यूजिक के बारे में क्या होता है? म्यूजिक के बारे में विदाउट चित्त अटेंशन आपकी स्थिति जागृत हो जाती है। संगीत क्या करता है? संगीत सुनने का काम करता है। वो इस देखिए पूरे विराट में संगीत है, हवा में संगीत है, हर चीज में संगीत है। संगीत ये वो माध्यम है जो भगवान तक, और हमारा भगवान कौन है? आदिशक्ति श्री माता जी, वहां प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा माध्यम तो यही है। और जैसे हम लोग देखिए, क्या मैं अभी एक बात थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं कि मेडिसिन का काम और कौन करता है? संगीत। हम लोग जब चक्र भी साफ करते हैं किसी के, तो हम लोग क्या करते हैं? श्री माता जी को प्रेयर करते हैं कि श्री माता जी इसके चक्र जल्दी क्लियर हो जाए, और उस आदमी के चक्र क्लियर होते। लेकिन जब वो सामने वाले की ध्यान की स्थिति भी सही हो तब जल्दी होता है क्लियर। यदि उसका चित भटक गया तो जो पीछे क्लियर करा है उसको भी प्रॉब्लम आ जाती है, उसके कैचेस जो पीछे उसको भी मिलती है। ये हम लोगों ने सहज में सीखा। लेकिन जब संगीत क्या करता है? दोनों को बैलेंस करता है तुरंत, दोनों को तुरंत बैलेंस करता है, और वो स्थिति श्री माता जी के कृपा से उनकी स्थिति न्यूट्रल में आ जाती है, यानी क्या, तो बैलेंस में, मध्य में आती है, ना लेफ्ट में ना राइट में, मध्य में आती है। और जैसे मध्य में आते चैतन्य अपना काम शुरू करता है, क्योंकि हम लोग तो बांसुरी की तरह होते हैं, यह सब श्री माता जी की कृपा है। एक अभी आप बैलेंस की बात कर रहे थे, तो मैं एक पूछना चाहूंगा आपसे कि संगीत आपका प्रोफेशनल लाइफ भी है, आपका सहज लाइफ भी है, ठीक है, तो आप एक संगीतकार और एक सहयोगी दोनों को बैलेंस कैसे करते हैं? हाँ, ये सवाल कई लोग मुझे पूछते हैं और मैं बड़ा प्रसन्नता से उसका जवाब देना खुद को भाग्यशाली समझता हूँ। देखिए ऐसा है कि जहां मैं काम करता हूँ वो सब माया जाल है, यानी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, ये तो आप लोग भी जानते हैं। लेकिन देखिए बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो सहजी है, चाहे वो एक फिल्म आई थी प्रेम कैदी, उसका जो एक हीरो था हरीश पटेल, वो भी सहजी था। अच्छा, वो हम लोग गणपति पुले भी मिले थे,
रेगुलर सर्च है, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट है, मीनाक्षी शेषाद्री जी है शायद, और बहुत सारे आर्टिस्ट है कि जो सहज है। लेकिन हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं, अभी ये मैं बताता हूं कि एक तो क्या होता है कि इस फील्ड में ज्यादा आर्टिस्ट होते नहीं है, सहजी होते नहीं है, क्योंकि क्या है बड़ा मुश्किल होता है बैलेंस करना। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं जो मैं गर्व से कहना चाहूंगा कि एक दिन ऐसा हुआ कि सहज में हम लोग का सफर चालू था, लेकिन मेरी इच्छा एक ही थी, मेरा करियर होना, और मेरा करियर के लिए मेरा ध्यान कहां पे था कि एज ए ओनली फॉर म्यूजिक डायरेक्शन, मुझे म्यूजिक डायरेक्शन करना है, बाकी कुछ नहीं। तो मैंने एक दिन क्या हुआ, मेरा काम हो ही नहीं रहा था, तो तब श्री माता जी ने कहा था कि बेटा आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कुछ हम लोग, मैं बहुत नसीबा हूं इस बारे में कि मैं कभी बाद में बताऊंगा कि मैं सबसे लाडला था ग्रुप में, हमारे निर्मल संगीत सरिता में सबसे छोटा था ग्रुप में, और मेरा ज्यादा प्यार होता था, चाहे बाबा मामा हो, श्री माता जी हो, वर्ल्ड लीडर हो, मुझे बहुत प्यार करते थे। और यहाँ तक कि श्री माता जी बोलती थे, देखो उसने कुछ खाया या नहीं, अरे देखो वो क्या करता है, क्या उसने देखा, ये किया ये नहीं किया, ये सब माँ देखती थी, यानी इतना मैं भाग्यशाली। तब एक बार क्या हुआ कि श्री माता जी ने उनके हस्ताक्षर में मुझे एक नंबर भी दिया था कि बेटा जब भी आपको कोई परेशानी हो तो मुझे इस नंबर पे आप फोन कर सकते हो, और ये भी कहा था कि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे चिट्ठी भी लिख सकते हो। एक दिन मैंने ऐसे खुद को संभाल कर एक चिट्ठी लिख ली कि माँ मेरा करियर ही नहीं हो रहा था, इस बारे में मैंने एक बड़ी माँ से, जैसे एक बेटा अपने माँ को खत लिखता है, वैसे वो मैंने खत लिख के अभी देना किसके पास, तो एक ही पर्याय था बाबा मामा के पास, तो मैंने बाबा मामा को वो खत दे दिया और कहा कि बाबा मामा प्लीज ये खत जो है आप शिव माता जी के पास आप दे दीजिए, मेरी आपसे विनती है। तो बाबा मामा ने बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम मुझे कहा गया कि आपको ही श्री माता जी ने कबीला बुलाया है, बाकी किसी को नहीं। उस समय तो सब हैरान, अरे अकेले इसको ही बुलाया, तो सब परेशान। और फिर मैं चला गया, वो भी बड़ी लंबी कहानी है। उस जमाने में मुझे इंग्लिश आती नहीं थी, तीन वर्ड मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, मेरे इंग्लिश के तीन वर्ड बड़े फेमस थे, सब लोग जानते हैं उस जमाने के, यस नो और थैंक यू, बस बाकी आप कुछ भी बोलो, हाँ यस यस यस, हाँ नो 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 नो, हाँ यस यस थैंक यू, इतना चेहरे से मैं मुझे पता चलता था कि सामने का टोन क्या है, तो ये सब मेरे बारे में होता रहता था। लेकिन बाद में जब मैं चला गया अकेले, यहां से दिल्ली गया, दिल्ली से फ्रैंकफर्ट गया, फ्रैंकफर्ट से मिलान गया, मिलान से फिर एक सहजी मुझे लेने आए, बट डर गया था बीच में क्योंकि मेरे साथ कोई था नहीं, एक मिराकल्स भी हुआ फ्रैंकफर्ट में, मैं इधर उधर घूम रहा था क्योंकि कुछ आता नहीं था, और जाना कहा इतना बड़ा एयरपोर्ट पे, तो एक कोई लेडी आई होगी और उन्होंने मुझे रुकाया कि रुको रुको, फिर मैंने उनको दिखा इनविटेशन कि मुझे और वो बोर्डिंग पास मुझे याद आना, तो उन्होंने कहा इशारे से कि इधर मत जाओ इधर जाओ, वो पता नहीं बड़ा शॉर्टकट था और मैं कहीं और जाने वाला था, तो जैसे मैं उनको थैंक यू बोलने के लिए थोड़ा दो स्टेप आगे चला गया, देखा तो वो लेडीज गायब। देखिए ये सब श्री माता जी की कृपा, तो वो कोई देवी होगी श्री माता जी की कृपा से। तो सब ऐसे सब ये बात मेरे साथ जो सफर हुआ वो सब करके मैं कबीला पहुंच गया, और मेरा प्रोग्राम खोने के बाद श्री माता जी ने यह सब स्टोरी जितने भी आजू बाजू सहजी थे उनको बताई कि मेरा बेटा चाहे कितनी भी तकलीफ हो, जब मैं चाहती हूँ तो उसको रुकने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा, वो मेरा बेटा बराबर आएगा, और मैं आ गए, ये श्री माता जी की कृपा। और एक दिन प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैंने दो बात अलग अलग प्रोग्राम में बोली, एक बात बोली थी वो भी रिलेटेड, समय का मैं तो बोल देता हूँ कि माँ लोग इससे बोलते सिंथेसाइजर या एकॉर्डियन प्लेयर, एकॉर्डियन वादन, वो अच्छा नहीं लगता, हम लोग मराठी में बात करते थे श्री माता जी से, और मेरी पहले से आदत है, मैं श्री माता जी को चाहे वो आदिशक्ति है, बाद में ये मुझे समझ में आया, लेकिन मैं ऐसे बात करता जैसे मैं अपने माँ से बात करता हूँ कि जैसे माँ मुझे ऐसा लगा, माँ मैंने ऐसा किया, माँ मुझे ये चाहिए, तो इस तरह से मैं स्टार्टिंग से ऐसे बात करते थे, तो लीडर लोग भी डरते थे, अरे ये क्या पागल है क्या, कैसे बात करता है डायरेक्ट अपने माँ से। तो एक बार माँ ने बताया था भी उनको, वो बहुत इनोसेंट है, मुझे अच्छा लगता है, तब जाके बाद में मुझे कोई बोला नहीं फिर ऐसा, लेकिन मैं डायरेक्ट ऐसे बात करता था श्री माता जी से, ये मेरा भाग्य है। तो उसके बाद जब मैं आशीर्वाद लेने चला गया श्री माता जी के चरणों में, तो पता है श्री माता जी ने क्या आशीर्वाद दिया कि आप म्यूजिक डायरेक्टर हो गए, यानी मराठी में उन्होंने बोला कि तुम्ही म्यूजिक डायरेक्टर झाले। और मैंने खत में क्या लिखा था कि माँ मेरा करियर नहीं हो रहा है, वो मैं कब म्यूजिक डायरेक्टर बनू, ये खत मैंने बाबा मामा को दिया था। और फिर
बाद में जब प्रोग्राम के लिए गया तो मेरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद श्री माता जी ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मुझे इतना अच्छा लगा, बस अभी मुझे कोई रोक नहीं सकता क्योंकि साक्षात आदिशक्ति ने आशीर्वाद दिया है कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर हो गया, अभी मैं बहुत बड़े जोर से अपना काम कर सकता हूँ। फिर बाद में मैं बाबा मामा से मिलने आया, खत्म होने के बाद कि बाबा मामा मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरा जो एक खत था, बोले कौन सा खत बाबा मामा, मैंने कि आपको एक खत दिया था, अरे बेटा वेरी सॉरी वो खत मेरे से गुम हो गया। अभी आप देखिए ये कितना बड़ा मिरेकल से, बाबा मामा से वो खत मां तक पहुंचा ही नहीं, लेकिन मां तो आदिशक्ति है, वो तो सब जानती है हर बात। तो ऐसे बहुत सारे किस्से मेरे साथ हर बात हुए, बहुत बहुत चमत्कार, बहुत बातें हम लोग करते थे, माँ से पूछते थे, मार्गदर्शन होता था, ये ऐसा ये वैसा। एक बार मेरा 93 का टूर हुआ था, मेरा इंस्ट्रूमेंट बज नहीं रहा था, तब ऑन द स्पॉट ऑन स्टेज की माता जी का हाँ ऑर्गन लावा ऑर्गन लावा, तो देखो आदिशक्ति का कितना ध्यान है, तो हम लोग चेंज किया। या फिर एक बार प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम लोग माँ से मिलने गए, मेरी फैमिली भी थी, तो मुझे यहाँ बहुत दर्द होता था बजाते बजाते, तो मैंने श्री माता जी को कहा श्री माता जी यहाँ बहुत दर्द कर रहा है मुझे, हम लोग मराठी में बात करते थे। अच्छा तो देखिए एक बात मैंने देखी कि देखिए भगवान भगवान होता है, चाहे बच्चा भी हो तो भी माँ उसे कैसे है आप, इस तरह से श्री माता जी बातें कर रहे, जैसे हम लोग मराठी में बोलते थे ना कि अरे तू रे नहीं करना, यानी काय रे क्या करता रे तू भी, ये बातें नहीं होती थी, अरे आप कैसे हो, मराठी में भी रिस्पेक्ट से बात होती थी। हाँ अच्छा आलिका कैसे तुम्ही बरे ना, आनंद है ना, अरे वाह 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 छान बर वाटल, देखिए इस तरह से शिव माता जी हम लोगों से बातें करते थे। तब मैंने कहा कि माँ यहाँ बहुत दर्द हो रहा है मुझे, तब शिव माता जी मैंने अच्छा, तो शिव माता जी ने कहा कि एक काम करो, जो एक सहजी हमारी सिस्टर होगी वो, उनको कहा कि ओपीडा लेके आओ। तब वो अंदर गई फिर आई और उन्होंने हल्के से शिव माता जी के पास जाके कहा कि शिव माता जी एक ही है और वो आपके लिए है। तो शिव माता जी ने अच्छा फिर दे दो उनको, उनको जरूरत है उनको दे दो। तो मन में हमें डर भी होता था कि ये शिव माता जी का है, शिव माता जी का है मैं कैसे लू, तो वो बात अचानक शिव माता अरे नहीं 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 रखो रखो आप आपको रखो। फिर बाद में मैंने वो आपको बोला वो लगा दिया तो पता नहीं मेरा दर्द गायब हो गया, ये भी एक मिरेकल था। एक बार ऐसा हुआ जो मैं सब सहजी भाई बहनों को बताना चाहता हूँ एक मिरेकल से। देखिए क्या होता है कि माँ के सामने हट करना गलत बात है, श्री माता जी जो चाहती है ना वो हमेशा सुनना चाहिए, चाहे प्रोटोकॉल हो या कोई भी बात जो श्री माता जी ने कही है वो हमारे लिए अंतिम होनी चाहिए। मेरे से एक गलती हुई थी बर्थडे पूजा की बात है, गुड़गांव की शायद 96-97 मुझे शायद कंफ्यूज है, लेकिन मैं आपको डिटेल बताऊंगा है मेरे पास। तो मेरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब हम लोग शिव माता के चरणों में आशीर्वाद लेने गए तो शिव माता जी ने प्रसाद दिया, प्रसाद यानी पैसे जिसे हम लोग आशीर्वाद कहते हैं। तो शिव माता जी हर कलाकार को कुछ ना कुछ भेंट देती थी, चाहे कभी कभी तो वो गिफ्ट भी होता था साथ साथ में, पैसे तो कंपलसरी हम सभी कलाकारों को मिलते ही थे क्योंकि वो प्रोटोकॉल था। लेकिन मन में एक विचार आया कि अरे मैं अभी सहजी हूं मुझे पैसे लेने की क्या जरूरत है, तो मैंने ऐसे बोल दिया हाथ से माँ कि मुझे पैसे पीछे कुछ नहीं चाहिए बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तो श्री माता जी का नहीं 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 आप लीजिए तो मैं आशीर्वाद दूंगी, ऐसे बोल दिया। फिर मैंने बोला नहीं 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 मैं भी थोड़ा पता नहीं क्या हुआ बचपना मेरा जाग उठा, नहीं 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 मुझे मैं पैसे लूंगा ही नहीं, मुझे बस आप आशीर्वाद ही दीजिए, मुझे पैसे की जरूरत ही नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, नहीं 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 आपको लेना पड़ेगा। ऐसे 2-3 बार तो मुझे नलगीकर अंकल मेरे बाजू में देखते थे बैठे थे, तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि आप ले लो ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर भी मैं जिद में आ रहा था कि नहीं माँ से कैसे पैसे लूँ मैं, मुझे तो बस आशीर्वाद ही चाहिए, ये भावना थी मेरी। और फिर देखिए श्री माता जी ने क्या कहा, यदि आप मेरे से पैसे नहीं लेंगे तो मैं आपको आशीर्वाद नहीं दूंगी। तब नलगीका साहब ने मुझे इशारा किया और बोला कि बेटा ये श्री माता जी की भावना को आप ऐसा मत करो, ये आदिशक्ति का आशीर्वाद है, ये आपको लेना पड़ेगा। तब जाके मैंने वो लिया और श्री माता जी ने आशीर्वाद लिया, तब मैं समझ गया कि जो भी माँ की कृपा से कुछ मिलता है तो वो माँ का प्रसाद लेके आपको लेना ही है, उसे नकारा नहीं जाना चाहिए। तो ये बात तब श्री माता जी बड़ी प्यार से हंसी और मैंने भी प्यार से वो लिया,
और श्री माता जी ने कहा कि आपको अनंत आशीर्वाद। सब सभी को श्री माता जी बड़े प्यार से यही बोलती थी कि बेटा अनंत आशीर्वाद। ये सब श्री माता जी की कृपा है। अभी हम बात करते हैं आपके जो ये 10,000 से ज्यादा म्यूजिकल प्रोग्राम्स हुए हैं, आपने हजारों लोगों के सामने ये अभी तक प्रोग्राम किए हैं, तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि ये जो हजारों लोग आपके सामने खड़े हैं, जिनके सामने आप प्रोग्राम कर रहे हैं, उनकी कुंडलिनी जो है आपके म्यूजिक के साथ जो है उनकी चेतना, उनका चैतन्य बढ़ते जा रहा है, भले वो रियलाइज सोल हो या उन्होंने आत्म साक्षात्कार दिया हो ना दिया हो, फिर भी आपके संगीत से आप उनकी कुंडलिनी को जो है उत्थान दे रहे। देखिए कि हजारों प्रोग्राम श्री माता जी की कृपा से हुए, कुछ ज्यादातर सहज के बाहर ही हुए हैं, सहज में भी सैकड़ों प्रोग्राम हुए हैं। फर्क क्या है, बाहर के प्रोग्राम को जब हम लोग बजाते हैं तो बुद्धि से बजाते हैं, और सहज के प्रोग्राम में जब हम लोग कोई बजाते हैं या गाते हैं तो बुद्धि को माँ के चरणों में रखकर हम लोग गाते हैं। जब हम लोग कोई भी आर्टिस्ट बुद्धि से जब गाता है तो परम चैतन्य आता नहीं, और जब हम लोग श्री माता जी को प्रार्थना करके प्रेयर करके जब हम लोग गाते हैं या बजाते हैं, तब हमें ये महसूस हो रहा होता है कि जो हम लोग गाते हैं बजाते हैं तो वाइब्रेशन की फ्लो इतनी होती है कि हम लोग उसमें खो जाते हैं कि यार ये क्या है, ये वो जो आनंद है मैं आपको बयां नहीं कर सकता हूं, ये बोल नहीं सकता, क्योंकि आनंद की वो स्थिति होती है जो बस इतना आदमी चाहता है कि शांति हो शांति हो शांति हो। जब चाहे मैं विविधा तरंगिनी बजाते रहता हूं तब हम लोग अंदर से भी शांत होते, बाहर से भी शांत होते, चैतन्य से भी शांत होते। तो ये फर्क होता है सहज में, सहज के बाद जब होता है तब भी हम लोग आनंद लेते क्योंकि हमारे अंदर तो सहज ही है, तो बाहर के लोग भी बोलते हैं अरे जब आप बजाते तो कुछ अलग लगता है, चाहे वही हो, राग भी वही हो या गाना भी वही हो, लेकिन आपके बजाने के स्टाइल में, आपके हंसने के स्टाइल में, आपके प्रेजेंटेशन के स्टाइल में कुछ अलग हो, यानी मुझे लगता है ये सब प्रभाव श्री माता जी की कृपा होगी। आपने विविधा तरंगिनी के बारे में बताया, तो विविधा तरंगिनी जो है ये इसके ऊपर आप जो यानी जो कैसियो सिंथेसाइजर जिसे आप कहते हैं, ठीक है, जो एक पाश्चात इंस्ट्रूमेंट है, ये विविधा तरंगिनी पे आपने और कोई एक्सपेरिमेंट किया हुआ है? हाँ, देखिए ये जो सर्वप्रथम शायद 87 से मुझे ऐसा फीलिंग होता था कि मैं कुछ अलग करूं, तो धीरे धीरे छोटा सा हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट था, कैशो ही बोल सकते हैं हम लोग, उसके ऊपर तो मैं बजाता था। लेकिन जब 90 में एक नृत्य नाटिका क्लासिकल की एक कंपोजिशन के लिए मेरे पास आई, 32 साल पुरानी बात है शायद, और जब मैं उस समय कंपोज कर रहा था तब एक बड़ा कीबोर्ड था मेरे पास, तो वही संतूर के ऊपर मैंने कुछ कंपोजिशन बजाई, तो वो सुन के आजू बाजू के सब म्यूजिशियन इकट्ठा हो गए, अरे ये संतूर कौन बजा रहा है, तो वो देखने आए कि अरे आप इस पे बजा रहे थे, ये क्या है जरा बताइए, बजाए बजाइए, सब क्लासिकल वाले थे, तो बोले अरे ये धुमाल जी ये क्या बजाया आपने, तब मन में कॉन्फिडेंस आया, अरे मैं कुछ अलग कर सकता हूं। ये 90 की बात है। उसके बाद 91 92, तब तक तो श्री माता जी की कृपा से वो प्रोग्रेस धीरे धीरे आविष्कार इतना अच्छा हो गया कि एक प्रेजेंटेशन हो गया, शायद ये सब श्री माता जी की कृपा हो कि वर्ल्ड में फर्स्ट वो प्रयोग हुआ होगा 87 में, और वो 92 में हुआ, वो सब श्री माता जी की कृपा से। फिर बाद में तो आप लोगों ने देखा है कि पूरे वर्ल्ड में श्री माता जी ने पूरा विश्व घुमाया हम लोगों को। आप बाकी सारे कलाकारों की बात कर रहे थे, तो आपने पंडित भीमसेन जोशी, बिस्मिल्ला खान, इन सारे जो लोग हैं जो कि श्री माता जी के सामने भी आपकी प्रस्तुति कर चुके हैं, उनके साथ आपने हारमोनियम पे तबले पे आपने उनको साथ दिया हुआ है, तो मैं चाह रहा था कि आप एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बताए कि जो मतलब इन सारे महान कलाकारों के साथ आपको एक अलग अनुभूति हुई हो श्री माता जी के सामने, या तो फिर इस तरह से कोई एक अनुभव बताइए, ताकि हम इन सारे जो अभी जो महान कलाकार है जो अभी इस दुनिया में है नहीं लेकिन उनकी वस्तु भी यहाँ पर है, तो हम चाहते हैं कि उसके बारे में कुछ अनुभव हमें बताए, एकाद अनुभव आपका। देखिए कि बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जैसे मंगेशकर फैमिली के साथ भी
92-93 में मैंने काम किया। फिर बड़े बड़े क्लासिकल जो सिंगर्स है जैसे पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज एन राजन वगैरह, ये सब आप तो जानते हैं कि श्री माता के चरणों में सेवा करके खुद को बड़े अच्छे आर्टिस्ट उन्होंने आशीर्वाद पाए श्री माता जी के। तो ये सब लोगों के साथ देखा है मैं, यानी मुझे याद है कि मैं बहुत छोटा था तब बिस्मिल्ला खान साहब को मैंने मिलने इच्छा व्यक्त की पिताजी से कि मुझे मिलना है, क्योंकि शहनाई बड़ी अच्छी इंस्ट्रूमेंट है और आपने देखा होगा कि विविधा तरंगिनी में शहनाई का एक इफेक्ट होता है और वो फीलिंग करके जो बजाना, तो मुझे वो बचपन से एक आदत थी कि मुझे ऑब्जर्वेशन करना कि वो कैसे बजाते। तो मैं वो शहनाई देखने के लिए उनके पास गया, प्रैक्टिस कर रहे थे वो तब, तो बड़ा प्यार से उन्होंने भी आयो बेटा बैठो, तो उन्होंने मुझे गोद में मुझे बिठाया और फिर बजा के दिखाया कि देखो बेटा ऐसी होती। तब भी मैं बचपन में फेमस ही था और वो भी जानते थे कि बच्चा अच्छा हारमोनियम बजाता है, क्योंकि उन्होंने देखा होगा। और मैं खुद को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि सब उन लोगों के साथ मुझे जाने का बोलने का वो सुनहरा मौका मुझे मिला। फिर चाहे पंडित जी हो या फिर अभी भी जयतीर्थ मेवुंडी हो या बहुत सारे ऐसे, मुझे सबके साथ बजाने का सौभाग्य मुझे मिला और बजाया भी मैंने, हारमोनियम भी बजाया उनके साथ, अजय साथ संगत जो क्लासिकल के लिए, सेमी क्लासिकल के लिए पद्मजा फेनानी हो या बहुत सारे, और कंपोजिशन में तो आप जानते हैं कि श्रेया घोषाल, हरिहरन, सुरेश वाडकर, सब लोगों तो सब लोगों ने तो मेरे फिल्म के गाने गा चुके हैं और वो सौभाग्य भी मुझे मिला। तो उनके साथ काम करने में बड़ा अच्छा लगा। लेकिन आप वो बात पता चलती कि जब मैं उस समय उनसे मिला तो वो मुझे अलग फील होता था, लेकिन जब मैं अभी कुछ पुराने आर्टिस्ट को मिलता हूँ तो मुझे पता चलता है कि जिन जिन आर्टिस्ट ने माँ के चरणों में सेवा अर्पित की है उनके गाने में बजाने में एक अलग तेज होता है, उनकी सोच अलग होती है, चाहे मैं उनके साथ बजाऊ या कोई भी कीबोर्ड बजाऊ या हारमोनियम बजाऊ, तो पता चलता है कि ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग एनलाइटनमेंट आ जाता है। 100% तो ये फर्क होता है उनके इसमें बजाने में और अपने इसमें बजाने में, और सबके साथ मुझे अच्छा लगता है। और मैं सहज के भी इतने बहुत सारे आर्टिस्ट है, सब ग्रेट आर्टिस्ट है, बस मैं एक ही आनंद लेता हूँ कि देखो हर कोई जब माँ की स्तुति गाता है तो वो आर्टिस्ट माध्यम होता है, लेकिन वो प्रसन्न किसको करता है? आदि शक्ति को। तो हमें भी वो आनंद लेना चाहिए उनके साथ बजाने का। तो मैं सबके साथ, चाहे संजय तलवार जी हो, सुब्रमण्यम जी हो, आनंदिता हो, नए इसमें डॉक्टर राजेश हो, सिंपल भैया है या जो भी है, फिर हम लोग का भी ग्रुप होता है, मेरा बेटा भी बजाता है, भाई भी है मेरे अनिल भाई वो कीबोर्ड बजाते हैं, मेरे फ्रेंड है विकास जी जसवाल जो गिटार बजाते हैं मेरे साथ ग्रुप में, तो हम लोग सब ऐसा एक ग्रुप फैमिली भी है। तो सब जब बजाते तो हम लोग वो आनंद भी लेते, क्योंकि क्या है जब आप आनंद लोगे, खुद आनंद लोगे तब आनंद पाओगे। दिमाग से यदि आप बजाओगे तो कोई मतलब नहीं, सहज में बहुत सारे आर्टिस्ट आए और बहुत चले गए तो उसमें कोई फायदा नहीं होता। अभी आपकी जो महान प्रस्तुति है हम उसके बारे में बात करेंगे, आपने इतने सारे संगीतकारों के साथ काम किया, इतने सारे एनलाइटेड टैलेंटेड बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन जो वो एक चैलेंज नहीं झेल पाए या नहीं कर पाए, उस चैलेंज को जो शिव धनुष था वो आपने पूरा किया, जिस हम बात कर रहे हैं आपके वो बेहतरीन प्रस्तुति की जो कि आपने अलग अलग पंछियों की आवाज में जो गाना कंपोज किया, तो वो सारा चीज जो था वो शिव धनुष आपने कैसे बताया? एक बार ऐसा हुआ, 3-4 साल, 4 या 5 साल पुरानी बात हो गया अभी, तब मैंने एक हमारे बड़े बड़े फेमस राइटर है प्रताप जी गंगावनी, उनके साथ एक फिल्म की थी 2005 में, कुंकू झालो वैरी, और उसकी भी एक कहानी याद है तो मैं बताता हूँ। जब मैंने वो फिल्म कंपोज की तो दिल्ली में हम लोग निर्मल धाम में जहाँ शिव माता जी की सेवा होती थी और हम लोग वहाँ पे गए, यानी एक बड़ा आश्रम था और हम लोगों को बुलाया था सबको सेवा करने के लिए, तो हम लोग पूरा निर्मल संगीत सरित वहाँ पे गए और सब प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम लोग आशीर्वाद लेने गए, तो पापा जी शिव माता जी बैठी थी, तब मैं बड़े खुशी से मैंने कहा कि शिव माता जी खुशखबरी सुनानी है, तो शिव माता जी का अच्छा क्या है, तो मैंने कहा मेरा एक फिल्म रिलीज हुआ है, बोले क्या नाम है उसका,
तो कुंकू झालं वैरी. तो पापाजी बोले क्या नाम है, तो माँ ने कहा कि कुंकू हो गया बैरी. तो पापा जी हंसने लगे, अरे ये कौन सा नाम है, इसे कौन से फिल्म को इसने मुझे डायरेक्शन किया. तो वो वाली बात रिलेटेड. तो उसके जो राइटर थे वो प्रताप जी गंगावले थे. तो वो बड़े मुझे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने कहा क्या कंपोजिशन किया उस फिल्म के बारे में. तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो प्रोड्यूसर यानी डायरेक्टर प्रोड्यूसर और वो प्रताप जी बातें कर रहे थे कि मुझे कुछ यूनिक काम करना है जो अभी तक वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया. बोले क्या, कि दिमाग में ऐसा है. प्रताप जी बोले ऐसा करेंगे कि फिर आप एक गाना बनाइए. बोले हमारी फिल्म जो है वो नेचर के ऊपर है, तो क्यों ना हम लोग ऐसा गाना बनाए जिसमें सिर्फ पंछी हो, इसमें सिंगर ना हो, इसमें वर्डिंग ना हो, इसमें कोई म्यूजिशियन ना हो, ना कोई इंस्ट्रूमेंट ना हो, लेकिन गाना हो, लेकिन वो पंछियों का गाना. उनको कंसेप्ट बड़ी अच्छी लगी. फिर उन्होंने क्या किया, फिल्म इंडस्ट्री के और बाहर के भी सब 40 बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर को उन्होंने कहा हुआ कि म्यूजिशियंस और सबको कि क्या आप ऐसा कंपोज कर सकते हैं क्या. ये डायरेक्टर ने बोला था, ये मेरे मन की बात नहीं. तब उन्होंने बोला कि सबने अलग अलग रीजन दिया कि इसमें ऐसा करेंगे तो वो आएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ पंछी ही चाहिए, नेचर के साउंड चाहिए, बाकी कुछ नहीं. और गाना तो चाहिए, पंछी गाना गाते, ये थीम है मेरी, मेरे हीरो के लिए पंछी गाना गाते. और ये सब उनका वो सब चालू था, उसमें कोई समय चला गया. एक दिन उनको डायरेक्टर और लेखक की बात हुई कि देखिए अभी अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस मैं अभी एक आखिरी आपको बताता हूं, यदि उस आदमी ने ना बोल दिया तो हम लोग ये प्रोजेक्ट कैंसिल करेंगे, यानी गाने का प्रोजेक्ट, फिल्म बनाएंगे लेकिन ये गाने का जो हमारे आइडिया है ये हम लोग कैंसिल कर देंगे. तो बोले कौन है, बोले एक म्यूजिक डायरेक्टर मेरे दिमाग में, बोले यदि उसने हाँ बोल दिया तो बात बन सकती है, वरना छोड़ देंगे. फिर उनका मुझे फोन आया कि क्या आप मुंबई आ सकते, तो हम लोग मुंबई चले गए और उन्होंने मुझे बोल दिया. देखिए कॉन्फिडेंस की बात होती है, क्योंकि हम लोग जो भी बात करते हैं श्रीमाते के चरणों में रखे करते. उन्होंने मुझे पूछ लिया कि क्या आप पंछियों का गाना बना सकते हैं. मैं बोला पंछियों का गाना, यानी बोले सिर्फ पंछियों का आवाज लेके मुझे गाना चाहिए, इसमें मैन मेड कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, कोई आवाज नहीं चाहिए, ना वोकल भी नहीं चाहिए, लिरिक्स भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना रिकॉर्डेड कोई साउंड भी नहीं चाहिए, नेचर का कुछ गाना बजा सकते क्या आप, बनाइए. तो शायद कुछ सेकंड विचार करके मैंने तुरंत बोल दिया हाँ बना सकते. देखिए बना सकते, मैं करूंगा नहीं बोला, बना सकते, क्योंकि मुझे विश्वास था ये माँ ने मुझसे बोल लिया होगा. पता नहीं क्या हुआ, वो आदमी हैरान, अरे बोले क्या बोला आपने, मैं बोला हाँ बना सकता हूं. उसने खिसे में से 5,000 रुपये निकाले और मुझे दे दिए, हाथ में रख दिए और क्या कहा, बोले भाई आप काम करो या ना करो, लेकिन पहला आदमी मुझे बोला कि कम से कम मैं कर सकता हूं, बोले इसके लिए 5,000 है. मैं बोला ये सब श्री माता जी की कृपा, पता नहीं उनको क्या पता कि माँ क्या क्या कर सकती है आप हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए तो माँ सब कुछ करती है. तो मैंने कॉन्फिडेंस से बोल दिया कि हाँ हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे. तो बाद में सब बातें होती रही फोन पे कि मुझे ये थीम है, ये सिचुएशन है, ये ऐसा है. फिर हम लोगों ने एक सुझाव दिया कि हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग जंगल में जाके साउंड रिकॉर्ड्स करेंगे, अलग अलग साउंड. तब करीबन 6 महीने हम लोग अलग अलग जगह पे जाके वो सब साउंड हमने कलेक्ट किया दिन रात. मेरे साथ मेरे बड़े भाई थे गोरखनाथ जी धुमाल, वो साउंड रिकॉर्डिस्ट भी अच्छे, रिदमिस्ट भी है, और हम दोनों भाई और डायरेक्टर साहब विजय दत्त जी बड़े अच्छे डायरेक्टर है. तो वो हम तीनों जंगल में घूमते थे दिन रात, सुबह शाम, मॉर्निंग इवनिंग, जैसे बोलते ना कि दिमाग में बस वही है 2400 घंटों कि बस हमें वही करना है, वही करना है. हम लोग खुद ही प्राणी है, हम लोग खुद ही पंछी है, ये थीम से हम लोग दिमाग में हमारे वही था, बाकी कुछ नहीं था. और घूमते घूमते इतना डाटा हो गया रिकॉर्डिंग करके, फिर एक दिन सवाल प्रश्न मन में आ गया सवाल कि यार इसमें करना कैसे. बोलते बोलते बातों बातों में तो हम लोगों ने इतना इकट्ठा कर लिया, यानी खाना इतना जमा कर दिया, अभी इतना खाना खाएंगे कैसे और इसका क्या करें, ये तो मिल गया अभी क्या करना है. तो एक दिन श्री माता जी को प्रार्थना की कि माँ क्या करना है, और एक ऐसा क्षण आ गया तब एक आवाज ने मुझे वो कंपोजिशन दे दी. और वही से फिर सुनते सुनते जब गया
तो फिर ये म्यूजिक चलेगा, इस मैच होगा, ये चलेगा, ये मैच होगा, ये इंस्ट्रूमेंट ये काम करता है, ये पंछी इधर मैच होगा, फिर ये रिदम बजाएगा, ये बैकग्राउंड देगा, ये गाना गाएगा, ये कोरस करेगा, ये इसमें ओवरलैपिंग करेगा। देखिए ये सब बातें क्रिएटिव दिमाग में वो बात शुरू हो गई, क्रिएटिविटी स्वादिष्टन का काम शुरू हो गया। और देखते देखते एक दिन ऐसा हो गया कि वो गाना कंप्लीट हो गया और फिल्म में हिट हो गया। यहां तक हिट हो गया कि मुझे कहने में बड़ा अभिमान लगता है कि एक किसी बॉलीवुड के आर्टिस्ट ने नहीं, हॉलीवुड के आर्टिस्ट, किसी एक ऐसे म्यूजिशियन ने कहा कि ऐसा कौन इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर है जो जिसने अभी तक ये काम किया, यहां तक किसी ने नहीं किया, लेकिन ऐसा कौन आदमी है जिसने ये ऐसा काम करके दिखाया। और यही मेरे लिए बहुत बड़ा ऑस्कर जैसा प्राइज है, ये सब शिव माता जी की कृपा। डेफिनेटली ये सारा जो एक्सपेरिमेंट था, एक्सपीरियंस जो है आपने जिन लोगों को छोड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी जो है मैं जो आप वैतरना में सिखाते थे, आप वैतरना में आपने दुनिया भर के सहयोगियों को जो वैतरना में आते थे या उनसे जो है आपने उनको संगीत सिखाया हुआ है, वो आपसे संगीत सीखकर सारे दुनिया में, आप सारे सहयोगियों से संगीत सीखकर सारे दुनिया में फैला रहे हैं। अभी आपकी जो है DRD अकेडमी है, ठीक है, जिससे आप संगीत अभी भी लोगों को सिखाते हैं, सहयोगियों को, नॉन सहयोगियों को, उसके बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल, सक्सेस स्टोरी। देखिए एक कहानी है वही की, दिल्ली की बर्थडे पूजा प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम लोग एक फाइल लेके गए। देखिए माँ को की आशीर्वाद उस फाइल को मिले, एक हमारे ग्रुप की फाइल थी और उसके लिए आशीर्वाद मिले। और तब एक विश्वास होता था ना कि अरे माँ के चरणों में तो कुछ बताना चाहिए, या कोई भी बात हो हमें लगता है कि माँ को बताना चाहिए तो हमें आशीर्वाद मिले, ये भावना हमारे हर सहजी की होती है। वैसी वाली बात हो गई, सब लोग मेरे साथ थे तब, लेकिन स्टेज पे तो कोई जा नहीं सकता क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट है तो हमारा नसीब अच्छा है कि हम लोग डायरेक्ट बात कर सकते थे, तो वैसे वो बात हो गई। लेकिन जो बोलने वाले थे उन्होंने क्या बोल दिया कि धूमाल जी कोई एकेडमी स्थापन कर रहे हैं, श्री माता जी आप उनको आशीर्वाद दीजिए। और श्री माता जी ने कहा कि आनंद आशीर्वाद, और उन्होंने बोल दिया कि एक्चुअली वो प्रोजेक्ट अलग था, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि आपके एकेडमी को श्री माता जी ने आशीर्वाद कर दिया। इस तरह से जो है DRD अकादमी हाँ, मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, तो मैंने बोला चलो ठीक है, आशीर्वाद मिल गया, छोड़ दिया बाद में। फिर मेरे क्लासेस तो चालू थे, तब मैंने विचार आया कि नहीं अभी हमें कुछ बड़ा काम करना है। फिर देखिए क्या है, 97 में हम लोग नागपुर एकेडमी थे, पहली एकेडमी जो हमारी थी वो नागपुर में थी, बाबा मामा चलाते थे, तब भी हमारे पूरे निर्मल संगीत साहित्य के जितने भी लोग हैं गुरु जी से होके सब वहाँ सिखाने आते थे, और हम लोग भी वहाँ, मैं स्पेशली हारमोनियम सिखाने वहां जाता था, 15 दिन वहां रुकता था, 15 दिन नासिक रुकता था, तो फॉरेनर सब वहां सीखते थे। उसके बाद वो एकेडमी बंद करके श्री माता जी ने हम लोगों को आदेश दिया कि आपको वैतरना आना है, तो फिर हम लोग 2002-03 में वैतरना आ गए और हम लोग तीन लोग वहां वैतरना में सिखाते थे। तब वो सब सफर वहां से शुरू हो गया हम लोग एकेडमी का। फिर उसके बाद मैं नासिक फिर आ गया और फिर जो हमारे नए सहजी है, एक्चुअली सबके लिए भी क्लास मेरे है नॉन सहयोगियों के लिए, लेकिन मन में इच्छा आ गई कि हमारे अभी उदयोन्मुख जो नए कलाकार है उनके लिए कुछ करना पड़ेगा ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो फॉरेन से भी कुछ स्टूडेंट नासिक सीखने आते थे जब वहां की एकेडमी बीच में बंद हो गई, तब मैंने नासिक शुरू किया। तब वो बाद में वो इतनी बढ़ती गई कि कोई ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास बढ़ने लगे, तो रिक्वायरमेंट हो गई कि आप उसको अभी बड़ा कुछ उसको रूप बनाइए। तब श्री माता जी की कृपा से DRD इंटरनेशनल म्यूजिक एकेडमी नासिक इंडिया, इस एकेडमी की स्थापना हो गई। और आज मेरी इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे या बड़े उसका आनंद लेते हैं संगीत सीखने का, क्योंकि देखिए हम लोग तो जानते कि श्री माता जी ने कहा कि हमें संगीत का महत्व क्या है और एक भी इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए, ये श्री माता जी ने कहा है, तो इसलिए बहुत सारे सहजी अभी भी मेरे पास सीखते हैं। और आप लोगों को भी यदि लगता है कि संगीत सीखना जरूरी है तो आप जरूर इधर नंबर है, आप हम लोग संपर्क कर सकते हैं, और मुझे बड़ा आनंद होगा कि जो भी कुछ श्री माता जी की कृपा से हम लोगों को आता है हम लोग बांटना चाहते हैं आप सभी से। इसमें जो है आप क्या क्या सिखाते हैं और क्या ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता है, ऑनलाइन कोई भी कर सकता है? बिल्कुल, नासिक पर्सनली आना थोड़ा सा जो है
नजदीक के लोगों को पॉसिबल हो पाएगा. आपका यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है जी. लेकिन जो मुंबई में रहते हैं हमारे जैसे लोग या पूना में अलग अलग जगह पे रहते हैं, तो क्या वो ऑनलाइन कर सकते हैं और इसे कितना समय लगेगा? देखिए, तो एक बात तो क्लियर है कि ऑफलाइन जो बहुत दूर रहते हैं उनके लिए तो पॉसिबल नहीं है. लेकिन यदि आप जैसे मुंबई, पुणे, नासिक, यहाँ से भी कुछ बहुत सारे आर्टिस्ट अपने सहजी बच्चे मेरे पास अप डाउन भी करते थे, यानी कोई वीकली आते थे, कोई 10 दिन में, कभी 15 दिन में भी आते थे. तो 2 दिन मेरे यहाँ रुकते ही थे, जैसे अपने एकेडमी में होता था, तो वहां सीख के फिर वो लोग, मैं 2 महीने का, 1 महीने का, 15 दिन का पोर्शन उनको देता था, फिर वो मेरे पास सीख के चले जाते थे, सीखते थे. ये भी होता है. जो नजदीक के लोग है वो ऑफलाइन भी सीख सकते हैं, लेकिन जो दूर के है, स्टेट के है, कोई अलग अलग कंट्रीज के है, तो वो लोग, आप लोग ऑनलाइन भी सीख सकते हैं. वीकली 1 दिन क्लास रहता है ग्रुप में, यानी बैचेस में. और जो बहुत कुछ प्रोफेशनली स्टाइल से कुछ आगे करियर करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट है सहज के भी आपने, क्योंकि वो करियर करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं लिमिटेड वर्क निकाल के इंडिविजुअल भी उनको सिखाता हूँ. ताकि मेरी इच्छा ये है कि अभी आप लोगों को ही ये आगे बढ़ाना है, और आप लोग इस तरह से बजाए या इस तरह से सीखे, ताकि आपको मेरे लिए ना बजाना है, ना किसी सहजी के लिए नहीं बजाना है ना गाना है, आपको आदि शक्ति को प्रसन्न करने के लिए गाना है या बजाना है. तो वो कैसे सीखना चाहिए ये सब उसमें सिखाया जाता है. और रियलाइजेशन देने में भी इसकी काफी मदद होगी. आजकल संगीत के द्वारा जो है चैतन्य हर जगह पे रियलाइजेशन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और श्री माता जी कहते हैं कि हर एक सहयोगी को एक आध इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए, एक संगीत आना चाहिए, उसे राग की जानकारी होनी चाहिए, शास्त्रीय संगीत समझना जरूरी है. अभी जो है हम चाहते हैं कि आपकी सक्सेस स्टोरी जो है, यानी कि आपका जो राग द्विजपद जो आपने 2018-19 में उसकी खोज की, और 1990 में आपने राग गंगा की निर्मित की, तो उसका महत्व और कोई एक मुखड़ा हमें अगर सुनने को मिले आपकी प्रस्तुति का, तो हमें सबके लिए बेहतर होगा. ठीक. देखिए, 2010 में श्री माता जी के सामने साक्षात जिनोवा में हम लोगों की आखिरी प्रस्तुति हो गई. थोड़ा कहने में दुख भी होता है, और आर्टिस्ट के हिसाब से भाग्यशाली, क्योंकि 2010 की क्रिसमस पूजा मेरे ख्याल से ये आखिरी पूजा है. और वहीं पे साक्षात 3 दिन लगातार मैं, संदेश, पंडित संदेश पोपटकर और पंडित सुब्रमण्यम जी, हम लोग तीनों लोगों को श्री माता जी के सन्मुख सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त मिला. 3 दिन लगातार वो हमारी आखिरी सेवा थी, साक्षात माँ के सामने बजाने की, श्री माता जी के सामने. उसके बाद शायद मुझे पता नहीं कि किसी ने बजाया होगा या गाया होगा, पता नहीं, क्योंकि सब लोग कहते कि वो आखिरी सहज की महफिल है जिसके हम लोग साक्षीदार है, हम लोग बड़े भाग्यवान हैं. तो वहीं पे प्रोग्राम खत्म होने के बाद मेरा साधना दीदी ने पूछा था कि आपने जो अभी राग बजाया चंद्रकंस, तो उससे रिलेटेड एक राग है, वो है मालकंस. तो मालकंस और चंद्रकंस में, यानी मालकंस भी बजाया था राग, तो मालकंस और चंद्रकंस में क्या फर्क है, या बजाइए इसका फर्क आप समझाइए. तो पता नहीं, देखिए माँ की क्या कृपा हो गई, स्पॉन्टेनियस विदाउट प्रैक्टिस हम लोगों ने वो दोनों रागों का कॉम्बिनेशन बजाया, चंद्रकंस और मालकंस का. और तो हमारे लेफ्ट चैनल में आता है. उसका वीडियो यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं. वो जो वीडियो बड़ा फेमस हुआ है वो हर जगह. तो वो बजाया श्री माता की कृपा से. और जैसे फिर वो हुआ, तो कुछ दिन बाद मन में विचार आया कि देखिए ये माँ ने कुछ अलग तो करवा लिया, क्योंकि हम लोग इसको अलग राग से इसको प्रेजेंट कर सके जो नियमों में बांधकर. तब दो रागों का कॉम्बिनेशन है, जोड़ राग बोलते हैं, जो दो राग का कॉम्बिनेशन उसको जोड़ राग बोलते हैं. तो वो जोड़ राग में ये द्विज, द्विज का मतलब दो, उसका उगम होता है, द्विज होता है. तो वो दो राग का जो है कॉम्बिनेशन कंस का, तो उस नाम से वो चंद्रकंस और मालकंस. तो वो दो रागों का जो कॉम्बिनेशन है वो इस राग में किया है. अब उसमें कैसा है कि आरोह और अवरोह, जब एसेंडिंग में जाएगा तो मालकंस होता है, और डिसेंडिंग में आया तो राग चंद्रकंस होता है. यानी कैसे देखें,
ये राग मालकोस और सागा मादानी ये चंद्र कोस। अब देखिए जब हम लोग ऊपर जाएंगे यानी स्वरों की जो गुंफन होती है जो मालाएं होती है स्वर माला वो जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो मालकोस से जाएगी और जब उतरते आएगी तो चंद्र कोस से आएगी। बड़ा मुश्किल है, सुनने के लिए आसान है लेकिन गाने के लिए बजाने के लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि दो कलर दिखने भी चाहिए लेकिन वो क्रॉस भी नहीं होने चाहिए। तो सागा माधा निसा तो ये दो रागों का जो कॉम्बिनेशन है वो संभाल कर बजाना पड़ता है। तो मेरा एक स्टूडेंट है कौशिक नारखेड़े, उसने एक हालांकि यूट्यूब पे वीडियो हमारे एकेडमी पे भी डाला है, यदि जब आप लोगों को जरूर वक्त मिला तो जरूर सुनिए राग द्विजकोश जो श्रीमाते की कृपा से मैंने सीखा है उसको। हम जो है अभी उसी वीडियो को छोटा सा जो है उसका एक क्लिप देखेंगे जो आपके कोर्स में जो है ठीक है जो आपके स्टूडेंट्स है उसके सक्सेस स्टोरी थोड़ी सी देखेंगे। नचिकेत जी प्लीज। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कौशिक नारखेड़े, आई एम स्टूडेंट एट डीआरडी इंटरनेशनल म्यूजिक एकेडमी नासिक इंडिया। From past few years, I have been learning from Pandit Dhananjay ji Dhumal sir. Today, I am going to perform Raag Dvijagamsh. This Raag and its Bandish is originally composed by our sir, Pandit Dhananjay ji Dhumal. This Raag is mixture of two different Raagas, Raag Chandragamsh and Raag Malkamsh. This Raag ascends in Raag Malkamsh and descends in Raag Chandragamsh. I hope you like it. Thank you. Thank you.
great, really great, awesome. We are the international and Pandit Dhananjay ji, आपके बहुत सारे आभार. एक लास्ट सवाल जो है मैं पूछ के जो है समय की वजह से हम सेशन को थोड़ा सा बहुत सारे सवाल आपको पूछने हैं लेकिन कंक्लूड करना पड़ेगा. तो यहाँ पर एक सवाल जो है पंडित जी मैं आपसे पूछूंगा कि बाकी सारे जो सहयोगी है जो ऑडियंस है जो आप हमारे अभी सेशन देख रहे हैं या देखना चाहते हैं तो उनके लिए आप एक क्या एडवाइस देंगे एक बेस्ट एडवाइस एज अ सहयोगी एज अ म्यूजिशियन. देखिए कि जब भी हम गाना गाते हैं या बजाते हैं तो सर्वप्रथम हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि हमें जो भी गाना है या बजाना है या जो भी हमारी सेवा अर्पण करनी है वो सिर्फ और सिर्फ शिव माता जी के चरणों के लिए उनको प्रसन्न रखने के लिए ना कि मुझे सुनाने के लिए ना किसी सहयोग को सुनाने के लिए. आप बोलेंगे कि अरे ये आप क्या बात कर रहे हैं. ये सीधी सी बात है क्योंकि स्टेज पे बजाने वाला जो भी आर्टिस्ट है वो किसको प्रसन्न करता है आदिशक्ति को. और संगीत वो माध्यम है हालांकि उसका आनंद हम सबको मिलता है लेकिन जो भी माध्यम रहेगा चाहे वो नया सहजी हो या पुराना आर्टिस्ट हो कोई भी हो भाव तो मन में वही होने चाहिए क्योंकि हमें आदिशक्ति को प्रसन्न करना है नंबर वन. नंबर टू देखिए जो भी गाना है पहले मैं गायक के लिए बताऊंगा कि जितने भी हमारे नए सब भाई बहन है बच्चे सीखना चाहते कि गाने में भाव होना चाहिए क्योंकि देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं. अभी ये गाना है हम लोग सब गाते हे निर्मल माँ तो हे निर्मल माँ इस गाने में भाव कैसे होने चाहिए. अभी कुछ कुछ कैसे गाते सब एक साथ अभी हम लोगों की आदत है जब कलेक्टिविटी में गाते तो कोई कैसे भी गाता है कोई ताली बजा के गाता है कोई एंजॉय करके गाता है लेकिन मन में ये भूल जाता है अरे हम लोग किसके सामने गा रहे हैं आदिशक्ति के सामने गा रहे हैं तो कैसे गाना चाहिए कैसे बजाना चाहिए ये भाव होता है ठीक है नंबर वन. दूसरी बात गाने का एक भाव होता है गाने का भाव यानी शब्दों का उच्चारण स्वरों की शैली कैसी होनी चाहिए प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए बहुत मायने रखती है बात कैसे. अभी देखिए हे निर्मल माँ निर्मल माँ तेरा प्यार मोचन का आनंद है माँ हे निर्मल माँ निर्मल माँ तेरा प्यार मोचन का आनंद है माँ. अभी ये क्या किया मैंने गाना गाया लेकिन इसमें भाव है क्या नहीं चिल्लाना कुछ भाव नहीं है बस गाना गा लिया. अरे गाना नहीं गाना है तो कैसे होना चाहिए. आप देखिए तो माँ से सबसे पहले प्रार्थना करने की श्री माता जी मैं आपके चरणों में सेवा अर्पित करना चाहता हूँ आप ही हमसे गवा लीजिए ये भाव. उसके बाद उस शब्दों में क्या लिखा है शब्द का अर्थ ये आना चाहिए. आप देखिए कैसे होना चाहिए तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ हे निर्मल माँ हे निर्मल माँ तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ. तू स्वर्ग की देवी ये संगीत तुझसे हर शब्द तेरा हर गीत तुझसे हम सहज में तेरी कृपा से ये अनमोल फॉर एग्जाम्पल. तो ये भाव गाने में होने चाहिए. तो सभी से यही प्रार्थना है कि जब भी आप सेंटर में पूजा में सेमिनार में बच्चे लोग गाना गाओगे या बजाओगे तो मन में और शब्दों में और स्वरों में भाव होना चाहिए जो भाव माँ तक पहुंचना चाहिए. यदि आपने रिस्पेक्ट से किया तो जरूर आपको चैतन्य भी मिलेगा. देखिए बहुत अच्छा सीखने वाले अगर गाता है तो वाइब्रेशन आता है और जो सीखा हुआ या नहीं तो वाइब्रेशन नहीं आता ऐसा नहीं है. कोई सहजी ऐसे है कि सीखे हुए नहीं रहते लेकिन जो दिल से गाते हैं भाव अंदर आता है तो वो चैतन्य निर्माण होते हैं वहां से श्री माता जी की कृपा से. तो बेटा जो भी कोई गाना बच्चे लोग गाना गाना चाहते या बजाने चाहते तो भाव होना जरूरी है संगीत सीखना जरूरी है कौन सा राग है कौन सा स्वर है उसका प्रेजेंटेशन कैसा है और समन्वय होना चाहिए तबले वाले का हारमोनियम के साथ
हारमोनियम वाले का गाने के साथ, गाने वाले का बजाने वाले के साथ, तुझे समन में होगा तो एक सूत्र में, एक ग्रुप में प्रेजेंटेशन होता है। अब तब जाके वो अच्छा भी दिखता है, सुनाई भी अच्छा देता है और माँ भी प्रसन्न होती है। अभी हम जो है आपकी पूरी धुमाल फैमिली जो है अभी श्री माता जी के चरणों में सेवा समर्पित करती है, तो आपके बाजू में जो है आपके बेटे है, हम उनसे कुछ थोड़ा बहुत सुनना चाहते हैं थोड़ा। हाँ, ताकि आप इसको कंक्लूड कर सके। और जैसे आप अपने बच्चों को, अपने बच्चे को सिखाया है, आपने अपने परिवार के हर व्यक्ति को सिखाया है। लता दीदी का जो सेशन था उसमें कह रही थी भी वो के उनके लिए एक गुरु आप भी हो, आपने भी उनको संगीत का बहुत कुछ सिखाया हुआ है। आज हमारे ऑडियंस में जितने लोग हैं वो भी आपसे संगीत सीखेंगे, तो हम चाहते हैं कि आपका जो बेटा है वो कुछ हमें संगीत का सुनाए, छोटी सी चीज जो क्लोज करने से पहले, ताकि हम ये जो नेक्स्ट जनरेशन में जो गुजर रहा है। एक कंपोजिशन है मेरी, मैं उसको बोलूंगा कि वो एक दो लाइन कम से कम आके सुनाए, क्योंकि वो तैयार तो है नहीं, लेकिन नहीं नहीं, लेकिन हम फिर भी सुनना चाहते हैं वो चैतन्य, वो जो जो आपसे प्रवाहित हो रहा है आपके नेक्स्ट जनरेशन में। एक कंपोजिशन है और हमारे सहजी बहन ने उसको लिखा है बड़ा अच्छा, और वो अभी आपके सामने गाएगा। थोड़ा आ गया देखो। आंचल की छान में सब कुछ मिल गया है माँ, तेरी आंचल की छान में सब कुछ मिल गया है माँ, तुझ में कभी शिव कभी कृष्ण तो कभी अल्लाह मिल गया है माँ, तुझ में कभी शिव कभी कृष्ण तो कभी अल्लाह मिल गया है माँ। आपने संगीत से जो चैतन्य फैला है, चैतन्य फैलाने का कार्य किया है श्री माता जी की कृपा से, हम चाहते हैं वो चैतन्य हर घर में पहुंचे, और यहाँ पर जितने भी ऑडियंस है हमारे, हर घर में एक सहजी जो है, एक व्यक्ति जो है वो संगीत से जुड़े, सहज संगीत से जुड़े। धनंजय जी, जूनियर धनंजय जी जो है, आप दोनों को और पूरे धुमाल परिवार का जो है हम पूरे दिल से, पूरे हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने संगीत सहज यात्रा हमारे साथ साझा की और हमें जो है चैतन्यमय बनाया, हमारे जीवन को, हमारे आज के दिन को इतना बेहतरीन बनाया। आपकी ये सारी सेवा जो है श्री माता जी के चरणों में समर्पित रहे, हर घर में हर व्यक्ति जो है आपसे और इस संगत यात्रा से जुड़े, यही हमारे श्री माता जी के चरणों में प्रार्थना। थैंक यू धनंजय जी। थैंक यू। जय श्री माता जी। थैंक यू। जय श्री माता जी। धनंजय दादा, बिफोर कंक्लूडिंग द सेशन, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमें आओ माँ चले निर्मल की ओर ये गाना सुनाए। छोटा सा कंपोजिशन, ताकि हम जो है ना ये दिल में आज का दिन जो है लेकिन ठीक। और बाकी सारे ऑडियंस का भी धन्यवाद, क्योंकि इतने लेट तक हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। सेशन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये तानपुरी की आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ, ये सुनाई दे रही। ये जो आओ चले माँ निर्मल की ओर जो भजन आप लोग पसंद करते हैं, मैं बहुत आभारी हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो सिंगर है वो हमेशा फेमस होता है, लेकिन उसका कंपोजर कौन है, उसका गीत किसने लिखा है भजन, ये पता नहीं होता। तो मैं कहना चाहूंगा श्री माता के कृपा से कि हमारी सहजी बहन है चंद्रा दीदी तलवारे, उन्होंने बड़ा अच्छा ये भजन लिखा है, नासिक की है हमारी, और इसे श्री माता जी की कृपा से कंपोज किया है। और 2001 में कैसेट आई थी विजय निर्मल शारदे, जिसमें लता दीदी ने भी बहुत सारे, नासिक का जो आपने सुना है वही कैसेट, yes, 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 या फिर बहुत सारे भजन है वही कैसेट में, विजय निर्मल शारदे का ये भजन है आओ चले माँ निर्मल की ओर। आ
चले आओ चले माँ निर्मल की ओ ऑडियंस को आपको सवाल पूछने थे लेकिन अभी से वक्त की कमी होने के वजह से जो है एक आखिरी बात जो गलती से रह गई मेरे लिए वो कभी भूलना नहीं चाहिए वो ये थी कि जैसे मैंने कहा कि आज जो भी मैं हूँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक अस्तित्व होता है इसलिए मैं बोलना चाहिए एक्चुअली वो गलत है मैं नहीं करना चाहिए लेकिन वो आप लोग जो पसंद करते हैं वो सब शिव माता जी की देन है उनकी कृपा है और जो भी डेवलप हूँ वो उनकी कृपा से ही हूँ लास्ट ये जितने भी 29-30 साल हो गए सब उनकी कृपा से है लेकिन जो भी कुछ मैंने सीखा है वो मेरे प्रथम गुरु मेरे पिताजी पंडित रामभाव धुमाल जी क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारे बातें सिखाई है हालांकि वो भी बड़े अच्छे सहजी थे वो गुजर गए एक 2 साल पुरानी बात है 1.5 साल हो गए तो उन्होंने बहुत सारे बातें सिखाई और बड़ा मैं आनंद कहना चाहता हूँ कि साक्षात श्री माता जी ने भी उन्हें आशीर्वादित किया है नवी मुंबई में प्रोग्राम में बड़ा आशीर्वाद दिया है श्री माता जी के चरणों में उन्होंने सेवा अर्पण की और आज जो भी मैं कुछ हूँ जो रागों का बाद में जब मुझे पता चला कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ लेकिन जो डिटेलिंग्स होते हैं कंपोजिशन के एज ए कंपोजर क्या होना चाहिए कंपोज कैसे करना चाहिए राग का प्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए तो ये जो कुछ बातें तो सीखनी ही पड़ती चाहे आपको पहले से आया हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं लगता लेकिन गुरु के पास आपको सीखना ही पड़ता है और वो मेरे लिए मेरे सब कुछ मेरे पिताजी पंडित रामभाव धुमाल जी है उनकी कृपा से ही मैं जो भी ये कर पाया और आगे जो कुछ उसका रूपांतर हुआ है ये सब श्री माता जी की कृपा से तो मैं दोनों को प्रणाम करना चाहूंगा यहाँ पर हम श्री माता जी के चरणों में पूरी तरह से नतमस्तक होकर इस सेशन को कंक्लूड करते हैं और हर सहयोगी से प्रार्थना करते हैं कि वो इस डीआरडी इंटरनेशनल म्यूजिक अकेडमी में जो है जुड़े और श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं कि श्री माता जी इस धुमाल फैमिली को जो है हर सहज परिवार को आपका चैतन्य संगीत स्वरूप में ध्यान स्वरूप में चैतन्य स्वरूप में फैलता रहे हर परिवार अब सहज परिवार सहजवा गोबल परिवार आपका पूरे हृदय से आभार व्यक्त करता है नचिकेत जी आपका भी आभार नरेंद्र कुमार जी थैंक यू नचिकेत जी परिवार आभार नचिकेत जी आपका भी आभार हूँ यस और अंजू जी भारती जी आप सभी को आभार